नहीं, मुझे इसलिए लगा क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि देखो देखो आ जाओ, अभी यहाँ से पर्व शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं? यहाँ से जो पर्व शुरू होता है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा फिर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रख लेना, पढ़ लेना, नहीं तो गैप हो जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, ये वही समय है जहाँ से रिजल्ट आने का और जाने का चांस बड़ा कम और ज़्यादा बढ़ जाता है। आधा से ज़्यादा लोग पर्व में व्यस्त, ठीक है पर्व मनाओ यार, मतलब अब दीपावली रात में होता है तो दिन में तो पढ़ ही सकते हैं, है ना? उसी तरीके से अब रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में आप बोलोगे सर बहुत दूर दूर जाना पड़ता है ना, मतलब बहन से ज़्यादा इंटरेस्टेड तो घूमने में हो जाता है उस दिन, मतलब जनरली जहाँ तक मैंने भी फील किया है कि सर इंटरेस्टिंग इस बात के लिए नहीं है कि बहन के पास जाना है, इंटरेस्टिंग इस बात के लिए कि जाना है और गाड़ी से जाना है, और अगर जिनको मोटरसाइकिल और कार वगैरह में मज़ा आता है चलाने में तो लोग तो और इंटरेस्टेड होते हैं। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा, मैं पहले आपको आगाह कर देता हूँ, मेरा काम है क्योंकि ज़रूरी है आपको सर बांध के रखना, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, सेक्रीफाइस एक साल तो कर लेना बस। अब मुझे पता है आप कर भी लोगे, आप सब मतलब एक से एक हो आप इसमें, नो डाउट, बस कोशिश करिएगा कर लेने का, ठीक है ना? चलिए तो पेज नंबर 224 हो गया था। कॉलेजियम वाला बता दिया था ना, एनजैक भी बता दिया था, 220। अब रिमूवल ऑफ जजेज पे आइए सीधा, यानी कि 227 पे, ठीक है 227। तो कैसे लड़ाई हो रहा है एनजैक का पता चल गया होगा, बढ़िया लड़ाई चल रहा है ना? तो सर एनजैक फाइनली क्या हो गया, एनजैक एनजैक ही रह गया, सुप्रीम कोर्ट ने और सीधा क्या बोल दिया, बेटा रखो अपने पास, हम सर इंडिपेंडेंट हैं, अपन इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है ना, अपन रॉकी भाई हैं। तो ज़्यादा राइट साइड में आइएगा 227 पे और वहाँ से जीवन का आनंद लीजिएगा। रिमूवल ऑफ जजेस के लिए तो मैंने पहले भी ये बता दिया था आपको कि जज को रिमूव करना है तो स्पेशल मेजोरिटी आपको कौन सा लगेगा, 2 लगेगा, कौन सा स्पेशल मेजोरिटी 2। अब सर उसके बाद नीचे है, उसमें बहुत सारे चीज़ें कि मान लीजिए आपका मिसबिहेवियर हो गया, ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियली ख़त्म हो गए, तो फाइनेंशियली ख़त्म हो गए तो ज़्यादा चांस है कि घुस लीजिएगा आप, इसलिए सर इन सब कुछ सिचुएशन में, और मैंने 3-4 सिचुएशन आपको वहाँ भी बताया था, याद है? फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट मतलब होना, जैसे कि आपके सर हालात ठीक नहीं है, मतलब आपने कर्जा बहुत लिया आप चुका नहीं पाए, बहुत सर, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल, जैसे आपने हाउस लोन लिया, ठीक है, जैसे आपने गाड़ी लोन लिया, हाँ आप नहीं है, मतलब जैसे आपने क्या किया, होम लोन तो ले लिया चुका नहीं पा रहे। अब बहुत सारा ऐसा लोग हैं कि जिस सैलरी से है पैसा तो आ रहा लेकिन खर्चा कहीं और हो गया, अयासी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारा है, कर्जा भी नहीं चुका पाए। तो जो कर्जा नहीं चुका पाए सर, उनके लिए ऑलरेडी ये चीज़ें देखा जाता है कि बेटा एक लिमिटेड टाइम दिया गया, अगर इस समय तक आप नहीं चुका पाएंगे तो सर आपके लिए उसके बाद दूसरा कार्रवाई हो सकता है, बहुत तरीके के हैं। अच्छा, लोग बहुत चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, मतलब समझ रहे हैं लोग, तो आजकल का दुनिया सर लगभग लोन ही पे चल रहा है, और विजय माल्या भी लोन ही पे चल रहे हैं। तो सर दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि विजय माल्या देखो पैसा सर दूसरे को लिया हुआ, खुद अपना ऐसी करता रहता है, दूसरे के लोग कितना मर रहे हैं जीरो से, कोई सर फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर नीचे आइए, तो रिमूवल ऑफ जजेज में है सर पहला, टू प्रूव जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 इज देयर ऑन गुड ग्राउंड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर पे होगा या फिर इनकैपेसिटी बिकॉज ऑफ यू आर फाइनेंशियल इनकैपेबल, देन मोस्टली चांस इज दैट ही विल बी बायस्ड। अगर आप फाइनेंशियल इनकैपेबल हैं तो ज़्यादा चांस है कि सर जिधर पैसा मिलेगा उसके तरफ आपका झुकाव थोड़ा हो ही जाता है। नीचे आइए, पेज नंबर 227, क्वाजाई जुडिशियल। ये क्वाजाई जुडिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वाजाई मतलब ऐसे समझो बीच का पाथ, मतलब ना कंप्लीट जुडिशियल ना ही कंप्लीट इन जुडिशियल, बीच का पाथ, मतलब दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप चुन सकते हो। क्वाजाई मतलब जैसे बोला ना बीच में, इंटरमीडिएट मतलब कि सर 12th, ना इधर 10th ना उधर बहुत हाई, बीच में कौन सा है, इसीलिए बोला इंटरमीडिएट। सेम क्वाजाई मतलब जुडिशियल इतना भी कैपेसिटी नहीं है कि वो जुडिशियरी की तरह बन सके, और इतना कम भी नहीं है कि सर जुडिशियल भी नहीं, तो बीच का रास्ता है क्वाजाई जुडिशियल। तो क्या है देख लो, क्वाजाई जुडिशियल में दो चीज़ है। अच्छा, उसके ऊपर मैंने लिखा है, आज तक एक भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं निकाला गया है, प्रोसीडिंग हुए हैं बट कभी रिमूवल नहीं हुआ है। तो सर आज तक निकाला नहीं गया है, प्रोसीडिंग्स चला है इन पे कि हाँ ये बेकार है, इन पे आरोप है, ये है, बट फाइनली निकाला नहीं गया है। सुन पा रहे मेरी बात? तो ये अच्छी बात है, जोर से बोलो यस सर। अब सर इधर राइट साइड में आना, क्वाजाई जुडिशियल में है क्वेश्चन ऑफ लॉ, और एक दूसरा है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है इफ यू ब्रेक द लॉ, अगर आपने कानून तोड़ा, और दूसरा है सर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मतलब वहां देखो हिंदी में भी लिखा होगा, क्या वो इंसिडेंस हुआ या नहीं, हादसा हुआ था नहीं, इन दोनों में से किसी एक को भी जो डिसाइड करे उसको क्वाजाई जुडिशियल बॉडी कहते हैं। मतलब एक ऐसी बॉडी जो इन दोनों में से, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दोनों को नहीं बल्कि किसी एक को
डिसाइड कर रहा हो क्या है क्वाजाई जुडिशियल। मैंने क्या बोला, सुन रहे हो ना, मैंने क्या बोला क्वाजाई जुडिशियल का सिंपल मीनिंग, कंप्लीट जुडिशियल भी नहीं होगा कि सर डिसीजन दे दे, और इतना भी इनकैपेबल नहीं है कि कुछ भी ना कर पाए। तो बेसिकली दिमाग में क्या रखना है कि दो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर कोई डिसाइड कर रहा है, जो भी बॉडी, वो सर मतलब हादसा कैसे हुआ, या फिर दूसरा क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में क्या बोला है मैंने कि सर इफ यू ब्रेक द लॉ, कानून अगर आप ब्रेक किया है किसी ने, तो ये बॉडी अगर डिसाइड कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को, उसको क्वाजा जुडिशियल कहेंगे। अब इसका डिटेलिंग और थोड़ा नीचे आएगा, ध्यान से देखिएगा। सर पहला है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और लोकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले भी बोला आपको कि सर देख लो क्या है, इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, बट कहाँ होना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो, दैट इज कहीं भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है कि सर कहाँ होगा, दिल्ली में ही होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सर एम्बेसी राजधानी में होगा ये जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है, और आपको एम्बेसी बताया था ना, तो एम्बेसी कैपिटल में होगा ये मस्ट है, दिमाग में ये रखना है, बट सुप्रीम कोर्ट सर दिल्ली में हो ये जरूरी नहीं है। जरा नीचे आइए, रिकमेंडेशन आए थे कि लगभग हर डायरेक्शन में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाएगा, और कल ही मैंने बोला था कि चारों तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कि ताकि सभी लोग वहां तक पहुंच सके। नीचे आइए, ताकि जो लोगों जो साउथ में हैं उनको ट्रैवल करके दिल्ली ना आना पड़े, और भी बहुत फायदे होंगे, बट ये प्रपोजल ही रह गया, ये प्रपोजल था, प्रपोजल रह गया, अभी आगे काम में बढ़ा नहीं। सर नीचे आइए, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सर पावर्स तो बहुत है, पावर्स देखते जाइए ध्यान से। पहला पावर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दिख रहा है सर? अच्छा, आपको मैंने ज्यूरिसडिक्शन पहले बोला था, याद करो, दायरे में रहना, मैंने बोला था ज्यूरिसडिक्शन मतलब दायरे में रहना, और उस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? तो सर सबसे फर्स्ट ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग है, चलिए, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है फर्स्ट टाइम केस कहां फाइल होगा, मतलब फर्स्ट टाइम केस कहां फाइल होगा ये ध्यान में रख लो, ठीक है? अब मान लो सर फर्स्ट टाइम केस आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, हाई कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट कहां किया, एक बार थोड़ा क्लियरली पहले देख लो, जल्दी ध्यान दे लो वहीं पे। तो सर पहला है ऊपर में देखो ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या लिखा है, कंज्यूमर कोर्ट में आप मर्डर केस नहीं कर सकते। अरे बताया था ना ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है दायरा, हर कोर्ट का अपना एक दायरा है, कि कंज्यूमर कोर्ट है तो कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर केस जाएगा, सुन पा रहे हो ना? ऐसा नहीं कि कंज्यूमर कोर्ट में मर्डर का चलेगा, और पढ़ाया था आपको जब रीट पढ़ा रहा था तब बोला था ना रॉन्ग कोर्ट, फिर प्रोसीडिंग कर दिया, रॉन्ग कोर्ट फैसला सुना दिया, बताया था नहीं बताया था? बताया था सर, अब उसके बाद सरसी हो रही, हैबियस कॉर्पस, वहाँ सब बताया था आपको, तो थोड़ा दिमाग में रखना है सर, आएगा सब, अब लास्ट है, अब सब उसमें इंक्लूड होकर आएगा, इसलिए रिविजन धाएं धाएं करते जाना। अब जरा नीचे आना, अब आपको दो तीन बातों का ख्याल दिमाग में रख लेना है कि सर रिवीजन जितना हो सके उतना करते जाइए। पीछे का पेज नंबर वापस रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं शुरू किया हूँ, जो लोग आए हैं तो ध्यान से देखिए। रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस में मैंने बोला कि अगर जज जो है इनकैपेसिटी है या फिर उसने कोई गलत मिसबिहेव किया है तो उसको हटाया जा सकता है। आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया है, उन पे चला है प्रोसीडिंग, चला है कार्रवाई, चला है उन पे, लेकिन हटाया नहीं गया है। दूसरा नीचे मैंने बोला क्वाजाई जुडिशियल, क्वाजाई जुडिशियल मतलब वही वाला, ना कंप्लीट जुडिशियल ना कंप्लीट इनजुडिशियल, बीच बीचवा, तो बीच बीचवा हो गया कौन, क्वाजाई जुडिशियल, जो दो में से एक को डिसाइड करिए। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है कि अगर आपने लॉ ब्रेक किया है कि नहीं ये डिसाइड, दूसरा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब कि सर ये हादसा वाकई हुआ है या नहीं हुआ है, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को डिसाइड कर, उसको क्या बोलेंगे, क्वाजाई जुडिशियल। उसके नीचे जब आएंगे तो मैंने बोला सीट ऑफ लोकसभा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट सर ये जरूरी नहीं कि एक ही जगह रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हो सकता है। प्रपोजल आया था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में इंडिया के एक एक सुप्रीम कोर्ट हो जाए ताकि काम बन जाए, लेकिन सर ये प्रपोजल ही रह गया। अब सर आगे पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज नंबर 227। सर उसके बाद है पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर देख रहे हैं, जिसमें पहला है ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब दायरा, दायरा मतलब क्या कि सर अगर हमारा औकात है कि सिर्फ हम कंज्यूमर लॉ को ही देखें तो हम मर्डर लॉ को ना देख लें, ठीक है? अब जरा नीचे आइए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है फर्स्ट टाइम केस कहां फाइल होगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब है कि पहली बार केस फाइल कहां हो पाएगा। तो जरा नीचे आइए, उसके नियम अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन केसेस आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देन इन सुप्रीम कोर्ट। अगर लड़ाई सेंटर और स्टेट का है, किसका, तो सर केस कहां फाइल होगा, सुप्रीम कोर्ट, सीधी सी बात है सर, वही दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब दो भाई लड़ रहे हैं तो कहां जाएंगे सर। तीसरा, सॉरी दूसरा है स्टेट वन वर्सेज स्टेट टू देन ऑल्सो इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सर स्टेट वन वर्सेज स्टेट टू सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बट उसके अलग और भी प्रोसेस है, मैंने वहां देखो डॉट 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 लिखा है, तो डॉट 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 करके तब जाके लिखा है, उसके बीच में और भी मध्यस्थ आ सकते हैं, ट्राइब्यूनल भी आ सकता है,
उसके बीच में और भी हाई कोर्ट भी आ सकते हैं, बहुत चीज़ आ सकता है, लेकिन सर ज़्यादा चांसेस है जब दो स्टेट का हो तो सर पार्लियामेंट उसको रेफर सुप्रीम कोर्ट ही करती है। तीसरा पॉइंट, सेंटर वर्सेज यूनियन टेरिटरी। तो सर अगर सेंटर वर्सेज यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, पढ़ाया था ना कितने हैं, तीन। ऐसा राज्य, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, याद है ना, ध्यान रखिएगा सर एक एक चीज। तो सेंटर वर्सेज यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर देन हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट में जाएगा। तो सेंटर और यूनियन टेरिटरी में हुआ है तो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। अच्छा नीचे आइए, सेंटर वर्सेज यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, कहीं नहीं उस तो सेंटर के पास पावर है। अब सर जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है वो तो सेंटर ही डिसाइड करेगा ना, समझ में आ रहा है सर। इसलिए तो अरविंद केजरीवाल रोता रहता है बार बार कि सर वहाँ पे, दो चीज़ दिमाग रखिए, अरविंद केजरीवाल स्टेट लेजिस्लेचर होने के बावजूद भी परेशान रहता है। अब ऐसा यूनियन टेरिटरी जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे मान लो लद्दाख है, उसके अलावा टोटल आठ मैंने बताया था केंद्र शासित प्रदेश, आठ में से तीन वो है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, पांच में से नहीं है। अब पांच में जहाँ चीफ मिनिस्टर है ये नहीं है, वहाँ पावर किसका चलेगा, केंद्र का चलेगा, सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट पावर किसका चल रहा है, सेंटर का। अब जहाँ पे सर चीफ मिनिस्टर हैं वहीं ना विवाद चलेगा, लेकिन विवाद वहाँ चलेगा तो दो तीन चीज़ें होगा सर, हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में जाते हैं उसके बाद तो डिसाइड हो जाता है कौन करेगा नहीं। जैसे आप दिल्ली है तो दिल्ली में क्या है, हाई कोर्ट भी है और सर दिल्ली में क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो दिल्ली में हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, तो आप सोच के देखिए अगर विवाद हो रहा है तो पहले हाई कोर्ट में जाएगा लेकिन सर फिर उसके बाद वापस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जरा नीचे आइए, पेज नंबर 228, सेंटर वर्सेज यूनियन, सुनते जाना प्लीज, ठीक है, तेजी में जाएंगे। सेंटर वर्सेज यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, तभी तो दिल्ली का केस हाई कोर्ट में फाइल होता है जब क्या होगा, हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नॉट इन सिलेबस, बट जान लो मैंने क्या लिखा है, हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन सर सिलेबस में नहीं है, बट आपको समझ लेना है, जान लेना है, बस इतना दिमाग में रख लेना है। नीचे आइए सर, एफआईआर क्वेश करना हो, आपको पहले ही बोला कि किसी पे एफआईआर हो तो हाई कोर्ट से ही जाकर सर बेल लिया जा सकता है। अगर एफआईआर आप पे हो चुका है तो हमेशा खत्म हाई कोर्ट से ही होगा। तो क्या है, एफआईआर अगर क्वेश करना हो और अगर किसी ने गलत एफआईआर आपके खिलाफ कर दिया तो उसको खत्म हाई कोर्ट में केस फाइल करके ही कर दिया जाएगा सर, ऐसा नहीं कि यहीं से उसको खत्म किया जाएगा। जनरली अगर आप पे एफआईआर हो चुका है, प्रोसीडिंग जा चुका है, तो हाईकोर्ट के पास सिर्फ पावर है कि वो केस को खत्म करेगा आपके खिलाफ। और एफआईआर, एक बार एफआईआर का फुल फॉर्म पता है ना, तो बहुत देखो सब समझदार है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है सर। अब दो मैंने बताया, पहला बताया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बताया कि पहला इसका मीनिंग क्या है कि केस कहाँ फाइल होगा, मतलब अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो केस कहाँ फाइल होगा, तो सेंटर और स्टेट लड़ रहा है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट और स्टेट भी लड़े तो सुप्रीम कोर्ट। सेंटर वर्सेज यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर तो सेंटर ही है, तो फिर दिक्कत क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या क्या। अगर बाद में विवाद हो जाता है तो चला ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे मैंने विदाउट वाले में तो विदाउट वाले में ज़्यादातर, देखो विदाउट वाले में ज़्यादातर नहीं होगा इसलिए क्योंकि सेंटर ही वहाँ पे है। अब सर पुडुचेरी तो खैर स्टेट लेजिस्लेचर छोड़ दो, अब ऐसे और सारे मान लो लद्दाख है, वहाँ पे जनरली केस नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। केस किस बात का जाएगा, तभी जाएगा जब वहाँ के लोगों के लगने लगे कि सेंटर हम पे जबरदस्ती कर रहा है या सेंटर हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, तब वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब फिर वहाँ से केस आगे बढ़ सकता है। और ऐसे भी सारे हर इंडिविजुअल के पास तो दो गो ही है, 32 और 226, आपका फंडामेंटल वायलेट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाओ और नहीं तो वहाँ। और जब आप सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाते हो तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं। दूसरा क्या, अरे बोला था ना कि जब भी आप लड़िएगा फंडामेंटल राइट के तो गवर्नमेंट से लड़िएगा ना, कि वो बचा नहीं पाया, इसके लिए लड़िएगा आप, इसके लिए तभी लड़िएगा कि प्राइवेट से हमको बस पे चढ़ने नहीं दिया, सुन पा रहे। चलो आ जाओ जरा, अब नीचे आओगे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो पहला है, अरे पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो अपीलेट के बाद क्या है, ओरिजिनल। नीचे अरे देख लो नीचे देख लो, अपीलेट में लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट। सर अपीलेट का मीनिंग क्या है, अपील जो आप बोलते हैं, हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में करेंगे, हम मानेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सर सिंपल सा आप कॉमन सेंस से सोचो, आपने अगर लोअर कोर्ट में, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 228 पे आपने सर अगर लोअर कोर्ट में किया, लोअर कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं है, बोले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर गलत सुना दिया है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे,
और हाई कोर्ट से फिर सर नहीं आया, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो सर ये तो पावर आपके पास है ही, ज्यूरिसडिक्शन के दायरे में आपका ये है कि अगर आप किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं किसमें? हायर कोर्ट में, और हायर कोर्ट से फिर कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। नीचे आइए, तो सर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट सिविल प्लस क्रिमिनल, सॉरी सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों केसेज में, मतलब आप क्रिमिनल केसेज हो चाहे सिविल केसेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केसेज में आप जा सकते हो। वहाँ देखो ध्यान से, इफ डिसीजन गिवन बाई जज इज रॉन्ग देन यू कैन अपील इन हायर कोर्ट। नीचे आ जाओ, बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैज अपीलेट पावर। सर सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपीलेट पावर है, हाई कोर्ट के पास भी अपीलेट पावर है, क्वेश्चन पूछता है इसलिए ध्यान से रखना। नीचे आओ, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट टू हायर कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेशल पावर कॉल्ड स्पेशल लीव पिटीशन। ये स्पेशल लीव पिटीशन क्या है देख लो, इन विच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को अपने पास ले आया। ये स्पेशल लीव पिटीशन का क्या है, आपने बीच का रास्ता खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला हाई कोर्ट में नहीं जाएगा डिस्ट्रिक्ट। सर केस मान लो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसा था जिसे दंगे भर दिया है देश में, सर नेशनल इंटीग्रिटी के सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट सीधा बोला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा केस कहाँ ट्रांसफर करो? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट नहीं जाएगा, सीधा लेके आओ सुप्रीम कोर्ट। तो सर ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, याद रखिएगा, ये हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा मेरे को ट्रांसफर करो, वो पावर उसके पास नहीं है अनलेस एंड अंटिल जब तक आप नहीं जा रहे हो। सुन पा रहे हो, ये तो हाई कोर्ट ही नहीं बोलेगा छोड़ दे और मेरे पास आ जा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, हाई कोर्ट को भी बोल सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बोल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत केसेस में बोलता ही है कि सर आपके बस का बात नहीं है, इधर भेजिए ऊपर फाइल, हम जरा यहां सरकाते हैं। नीचे आइए, इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, इन विच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को अपने अंडर ले लिया बाय आर्टिकल 136। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्पेशल लीव पिटीशन जो है कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, एक बार पूछा था, बाद में उसके बाद घुमा दिया, उसके बाद डेफिनेशन पूछता है स्पेशल लीव पिटीशन का मीनिंग क्या है। नीचे आइए, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डू दिस बाय आर्टिकल 136, बट लोअर कोर्ट जज से परमिशन लेना होगा ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस भी करना होगा कि केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लीव पिटीशन पावर इज ओनली हैविंग द सुप्रीम कोर्ट। तो सर आप अगर लेके आ रहे हो ना तो जज का तो ही नहीं कर सकते आप उसको क्या करना पड़ेगा, आप कन्विंस करोगे कि सर ये केस इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत गलत होता है तो सर बहुत बवाल हो सकता है, इसलिए सर आप इस केस को आइए, जज यहाँ से लिख के देगा, कौन सा जज? डिस्ट्रिक्ट जज लिख के देगा, तभी वो पावर हो भी पाएगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास औकात जरूर है, बट इट डजंट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती मंगवा लिया, सर उसको कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा। सुन पा रहे हैं? और सीधी सी बात है, कितना भी पावरफुल है तो सर मैंने पहले भी बोला था कि हायरार्की तो ऐसे भी ज्यूरिसडिक्शन में चलता है, नीचे से ऊपर, लोअर से हायर जाते ही हैं आप, सहमति बिना लिए कहां से जाएंगे, जरा नीचे आइए। अब सर एक है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी तक मैंने तीन ज्यूरिसडिक्शन बताया है, पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कि केस कहां फाइल होगा, तो सेंटर और स्टेट लड़े तो कहां फाइल होगा? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा ज्यूरिसडिक्शन मैंने क्या बताया? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कि सर अगर लोअर कोर्ट में आप खुश नहीं हैं तो आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद आप जहां मनो आ जाइए। एक स्पेशल लीव पिटीशन है जो आर्टिकल 136 के तरफ सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि बेटा अगर सर डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उसको अपने पास ले आएगी बाईपास करके हाई कोर्ट को। सुन पा रहे हो? तो दूसरे किसी कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा आ जाना पड़ेगा ऊपर। अब जरा नीचे आ जाओ, उसके बाद है सर एडवाइजरी, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो सर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है समझ लेंगे, लेकिन सर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, जैसे स्पेशल लीव पिटीशन भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा सभी सुन रहे हो ना, जोर से बोलना यस और नो। अरे बाप रे, इतना कहा गया तेजी में बोलना यस और नो। नीचे आओ, अब सर पहला है इफ ई और जे, ध्यान से समझना। नीचे If a वहाँ पे देखो, if executive wants the advice or suggestion from judiciary, then through president उनको जाना पड़ेगा। बहुत important है। मतलब मान लो अगर legislative चाहता है, अगर मोदी जी चाहते हैं कि कुछ suggestion सुप्रीम कोर्ट से मिले और वो मिले ऐसा ताकि हम लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें नहीं करें, तो सर उनको ऐसा नहीं डायरेक्टली वो चले जाएंगे, क्यों? रूल 3। अरे बोला था सेपरेशन ऑफ पावर कि जब तक कोई केस नहीं आया तब तक आप उसके बारे में डिस्कशन उससे नहीं कर सकते, तो सर आप जाइएगा प्रेसिडेंट के थ्रू होकर, आप प्रेसिडेंट को बोलिएगा कि सुना ना सजेशन ले लो। अच्छा सजेशन आन ऑन जाके ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, तो सर बीच में दिमाग में रखना है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का क्या है कि प्रेसिडेंट इज द ओनली मीडियम जो लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में काम करेगा और सर उस सजेशन इधर से लेके इधर देगा, इसलिए प्रेसिडेंट को बनाया भी गया है, क्योंकि डायरेक्ट आप हस्तक्षेप किसी दूसरे के काम में नहीं कर सकते, क्योंकि रूल 3 बोला था सेपरेशन ऑफ पावर। क्या 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 हाँ एडवाइजरी का आर्टिकल अभी आएगा नीचे, इसी में लिखा भी होगा। नीचे आ जाओ, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इफ एग्जीक्यूटिव वांट्स द एडवाइस सजेशन फ्रॉम जुडिशियरी
देन थ्रू प्रेसिडेंट उनको जाना पड़ेगा, देन प्रेसिडेंट आस्क फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट लीगल ओपिनियन ऑन टॉपिक लाइक, पहली बात नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो तब, या फिर दूसरा है सर प्री 1950 लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब 1950 से पहले और भी चीजें ऐसी हुई हैं जिसको सर केसेस क्या हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में राय लेना हो, सजेशन लेना हो तब। देखो जब नेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो तो ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑलमोस्ट सारे सब एक साथ होना ही चाहिए सर। ये तो आपको सर अपनी अपने में क्या लड़ाई है वो बाद में देख लेंगे, पहले तो सर अगर देश की बात है और देश क्षेत्र में तो पहले तो देश को बचाओ ना सर, बाद में अपना देखते रहेंगे यार क्या दिक्कत है। नीचे आइए लेफ्ट साइड में, इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट नोज की गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर है लाइक मैटर ऑफ रिजर्वेशन, जैसे आरक्षण वगैरह है, ये सब बहुत प्रेशर और बहुत सर जटिल मुद्दा है। उसके बाद दूसरा है होमोसेक्सुअलिटी, दोनों पढ़ाया हूँ मैं, रिजर्वेशन भी LGBTQ सब पढ़ाया हूँ एटसेट्रा, जिसमें वो चिपका देगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है इसलिए नॉट कंपल्सरी टू रिस्पॉन्ड। जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, देखो दो चीज़ें हैं, जैसे अब मान लो दंगा फसाद हो सकता है, अब आपने आरक्षण बोला कि आरक्षण हटा रहे हैं, अब जैसे बोला आपने आरक्षण हटा रहे हैं सर, लोग मान लो पागल हो गए, अरे दादा आरक्षण हट गया हट गया हट गया, अच्छा पागल हो गए, तो सर क्या किया गवर्नमेंट ने, दिमाग क्या लगाया, उसने सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले लिया और ये नहीं बोला कि हम हटा रहे हैं, क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिएगा नेता साहब बोलेगा कि हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये देश की जो है, इतना ना सर बोलेगा देश की जो है तो सब बोला अच्छा कौन था, अच्छा सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो उनके सामने हमारा क्या औकात है, मतलब आपने सर रेफरेंस किसका दे दिया, तो इससे एक फायदा भी तो हुआ सर, दंगे होने से बच गए, क्योंकि जैसी सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है ना सर, हर आम आदमी ये सोचता है नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट दिया है, मजाक बात नहीं है, सुन पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जब बोलता है तो हमको थोड़ा ट्रस्ट है सर, भले जो भी है जैसा भी है। अब गवर्नमेंट ने बोला आज रात 8 बजे से, अब पीछे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अब जैसी बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो आधा से लोग ज़्यादा मतलब ठंडक मिल जाता है सर। देश में आज जो भी कुछ है भले जैसा भी है, बट सुप्रीम कोर्ट का सर अलग ही लेवल का स्थान है, आप यकीन मानिए नहीं मानिए, लेकिन सर आपको भरोसा आज भी रहता है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय तो हमको सर मिलेगा, अगर कितना भी गलती हुआ हो तो, भले वो बायस्ड हो, और बहुत सारे डिसीजन अभी आप देखिए, अभी रिकॉर्ड बताऊंगा मैं, बहुत सारे बायसनेस है लेकिन फिर भी भरोसा है, जैसे IAS ऑफिसर पे होता है, भले करप्टेड हैं लोग लेकिन फिर भी भरोसा होता है कि ना बाबू साहेब अन लाट साहब, तो ये लाट साहब जो है ये ठीक कर देंगे काम, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो जरा नीचे आइए, इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइस देना कंपलसरी है सर, नेशनल इंपॉर्टेंस पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस नहीं भी देगा, लेकिन सर 1950 से पहले क्या क्या हुआ है, कैसे एहसान क्या चीज़ें हुई हैं, उस पर कंपलसरी है सुप्रीम कोर्ट को एहसान देना, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो उसका सजेशन है वो दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि सर 1950 से पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि सर जुडिशियरी का एक अलग अपना मैटर चलता है, उसका अलग जोन है जुडिशियरी सर, आप इतना हल्के पे नहीं लो कि आप सोचें, जिसपे पूरे देश का निगाह क्या, पूरे वर्ल्ड का निगाह रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, उन लोग पर कितना प्रेशर रहता है। तो सर बोला भी गया था बहुत सारा चीज़, तो एन वी रमन्ना भी और जस्टिस चंद्रचूर का नाम भी आपको पहले बताया था मैं, अरे बताया था मैं वहाँ पे पारसी वाला भी वहाँ बताया था कि सर उनके लिए भी कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूर पहले बैठते थे बॉम्बे में, फिर वहाँ से आके इधर बने। तो सर वो जो चीज़ है ना, वो बोले थे क्या कि हम लोग सर रोबोट नहीं हैं, हमें भी किसी फैसले को लेने के लिए बहुत तह तक जाना पड़ता है और उसके लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है, समझ रहे, इतना आसान नहीं हो जाता है, हम लोग तो बस मुँह उठा के आ जाते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है सर टाइम लगता है, और इतना मतलब अगर गलती से गलत डिसीजन आ गया तो फिर दंगा भी होना है अलग, वो तो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर कल ही बताया था दिया गया है कि क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है अपने डिसीजन को और अपने जजमेंट को पलट भी सकता है, वो उसके पास है पावर, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी सर बार बार डिसीजन को बदलना ये भी तो अच्छा बात नहीं है ना, अगर आप एक बार जब सुना रहे हैं फैसला तो उसमें दम होना चाहिए, और दम होने के लिए सर आप अच्छे से तहकीकात करिए, मैं तो पहले बोल दीजिए मर्डर केस था, दोबारा बोल दे नहीं गलती से स्लीपर से गिर गया था तो मर गया था, तो ये जो चीज़ है ये सब ठीक ठाक नहीं है सर। पेज नंबर 229 पे आइएगा, एक होगा रीट जुरिडिक्शन, उसमें RIT छूट गया होगा, तो सर ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रीट का मीनिंग क्या है, वही चार हैवियस कॉर्पस क्यूओ वारंटोस आरसी और आरई वो सब पता है, वो सब आप जानिए सर। नीचे आइए तो 32226 फंडामेंटल राइट्स वहाँ लिख भी दिया, वो ऑलरेडी डन, सुन पा रहे हो, और क्यूओ वारंटो याद रखो, याद है ना क्यूओ वारंटो। नीचे आओ, क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सर टोटल जुरिडिक्शन कितने हो गए, सुन लेना ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल जुरिडिक्शन कितने, चार, पहला कौन सा ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दूसरा अपीलेट जुरिडिक्शन, तीसरा एडवाइजरी जुरिडिक्शन, फोर्थ रीट जुरिडिक्शन। तो सर
पहला अपीलेट का मीनिंग सुन लो, पहले से पहले ओरिजिनल से पहले, केस कहां फाइल होगा, सेंट्रल स्टेट में लड़ाई होगा, तो ये आपको दिमाग में रख लेना है। दूसरा बोला अपीलेट, लोअर कोर्ट से खुश रहिए, हायर कोर्ट जाइए सर। उसके बाद एडवाइजरी है, एडवाइजरी में है कि सर अगर लेजिस्लेटिव चाहता है किसी चीज पे एडवाइस लेना तो दो हो, नेशनल इंपॉर्टेंस और प्री 1950 जो ऑब्लिगेशंस को छुए हैं उस पे, तो अगर एडवाइस लेना चाहता है तो किसके थ्रू होकर जाएगा, प्रेसिडेंट के थ्रू। एडवाइस देना कंपलसरी, यही क्वेश्चन पूछा था, नेशनल इंपॉर्टेंस पे एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं है, बट प्री 1950 से पहले सुप्रीम कोर्ट खुद ये मानता है कि हमें एडवाइस इस पे देना चाहिए, तो खुद एज ए कंपलसेशन मांगता है इस पे, क्योंकि सर उस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि सर एडवाइजरी में उससे पहले स्पेशल लीव पिटीशन बोला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ जिसमें ताकत है कि वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस डायरेक्ट कहाँ अपने पास मंगा सकता है बिना जो हाईकोर्ट को बाईपास करके। सुन पा रहे? अब सर आइए रीट, रीट ज्यूरिडिक्शन पहले बता चुका हूँ, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है और क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो क्वालिफिकेशन पहला है हाई कोर्ट जज फॉर 5 years और हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 years। तो सुप्रीम कोर्ट का जज वही बन सकता है जो 10 साल तक या तो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो या हाई कोर्ट का 5 साल के लिए क्या रहा हो, जज। तो जज रहा हो तो सर कम ही टाइम, और एडवोकेट रहा हो तो बाकी बात यही है कि वो हाई कोर्ट का भी जज बनने के लिए तो उसको पहले से एडवोकेट रहना पड़ा होगा। तो सर सिंपल सा बात है, या तो 10 साल तक कोई एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट, एडवोकेट बोला हूँ लॉयर नहीं बोला ना, लॉयर इज अ लाइक पोजीशन, वो काटा हुआ है वहाँ पे। तो सर एडवोकेट एडवोकेट रहा हो कितना, 10 साल, कहाँ का, कहाँ, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं भैया, और 5 साल जज, ये दोनों में से कोई एक अगर कंडीशन है तो सर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो तो सर जाहिर सी बात है होना ही चाहिए। अच्छा वहां पे एक चीज लिखा हुआ, और यू आर वेरी एक्सपर्ट इन ज्यूरिस्ट, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट को देके आपको जज बनाया जा सकता है, जिसको डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बोलते हैं। अगर आप मान लो किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा है, मतलब आप मान लो क्रिमिनल केसेस के बारे में भयंकर नॉलेज है आपको, कैसे सॉल्व, कैसे डिसीजन, बहुत अच्छा नॉलेज है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस ये दे सकती है, और प्रेसिडेंट को देने के बाद प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अपॉइंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज कर सकता है। ये एक्सपर्ट वाला मामला है, अब जरा नीचे ही इसको और डिटेल में समझेंगे। और इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, तो सर इंडियन सिटीजन हो और 10 साल तक कहाँ रहे एडवोकेट, कहाँ, हाई कोर्ट, या फिर 5 साल तक जज रहे, कहाँ का, हाई कोर्ट। नीचे आओ, क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और किसी भी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक काम करना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक। नो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कॉन्सेप्ट इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर किसी को स्पेशल कुछ नॉलेज ले रहे उस बिहाफ पे कोई वहाँ पे लगाया नहीं जाता है। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का क्या मीनिंग है कि आप एक लीगल प्रोसेस से नहीं, मतलब आप एक्सपर्ट हैं तो आपको काउंसिल मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट उसको डिप्यूट कर सकता है। हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं चलेगा सर, सुप्रीम कोर्ट में चलता है। तो ध्यान से देख लीजिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस दूसरा क्या है, किसी भी जुडिशियल ऑफिस में कितने साल, 10 साल तक, या हाई कोर्ट एडवोकेट कितने साल होना चाहिए, हाई कोर्ट एडवोकेट 10 साल। अब जरा नीचे आओ, ये मैं सर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपका है जो आप हाई कोर्ट जज 5 साल के अंदर। नीचे आइए, मैंने लिखा है इस देश का कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्ग्यू कर सकता है, ऐसा कोई वकील नहीं है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आर्ग्यू करे और वो सरकारी वकील ना हो। सर कोई भी, मैंने बोला था कि कोई भी, ऐसे भी आपके पास आर्गूमेंट का पूरा हक है, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था रुस्तम वाला, आप वो काम कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाकी नीचे है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में, उधर राइट साइड में जाना, बिल्कुल राइट में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल होते हैं, इनको जज नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ हाउस प्रॉफिट, इसलिए हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 ईयर जो होता है उसी को जज बनाते हैं, बिकॉज एटलीस्ट हाउस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं है सो प्रॉफिट उतना नहीं ले सकता। कहने का मतलब ये कि सर अगर उसी के घर का जो हाउस ऑफ अटॉर्नी और हाउस ऑफ जनरल जो वहीं पे रह रहा है इतने सालों से, तो सर घूस लेने का चांस उसका ज़्यादा है, क्योंकि सर बारीकी से जानता है, इसलिए हम उनको नहीं बनाते हैं। क्योंकि सर अगर किसी को क्या कंडीशन रखा है, या तो एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक कहाँ, हाई कोर्ट में, और अटॉर्नी जनरल तब तक सर इधर से शुरू से आ रहा हुआ है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सीनियर है उससे, अटॉर्नी जनरल सीनियर है उससे, लेकिन फिर भी उसको नहीं बना रहे, क्यों, हाउस ऑफ प्रॉफिट का ज़्यादा मामला है सर। आप घर में हैं तो आपको सब कुछ पता है कहाँ दुबई है कहाँ, जैसे आपका पोस्टिंग सर IAS का पोस्टिंग जनरली अपने होम कैडर में नहीं होता है जनरली, जैसे आप मान लीजिए अगर मोतिहारी के हैं तो आप सर शायद या नहीं के मान के चलिए, हालांकि अब एक प्रपोजल आ चुका है जिसमें आप बन जाइएगा, अब प्रपोजल आ चुका है कि आपको हाउस अपना मिल जाएगा, मतलब आप मोतिहारी के हैं तो मोतिहारी के भी DM आप बन सकते हैं कुछ समय बाद। तो मान लीजिए पहले ऐसा नहीं था, अभी फाइनल हुआ भी नहीं है, अभी ये चल रहा है, तो सर आपको मोतिहारी के बारे में पता है कि सर कौन रग रग से वाकिफ है, किसके पास ज़्यादा पैसा है, किसके पास कम है। आप सर आए टॉर्चर करना शुरू किया, क्या आप DM थे, नोटिस चिपका है कि भैया पेटी पहुंचा देना, नहीं तो कल जो है समझ रहे बेटी गायब हो जाएगी। अब सर ये आपने मान लो सिचुएशन किया, तो दो चीजें हुई, अब आप सर इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो,
हाँ किसी से दुश्मनी हुआ, आप निकले सर पागल के मतलब पागल कुत्ते की तरह निकले और सर जाकर उसको गोली मार के आ गए कि अब जो होगा होगा, अब मार दिए सर आप हीरो बन गए इधर इधर, उसके बाद आपको कोई आके मार दिया जीरो बन गए। तो सर आप किसी को मारिएगा तो आपको कोई ना कोई तो मारेगा, वो तो सीधी सी बात है। बट इसका दूसरा पहलू देखो, एक ही पहलू नहीं होता है सर। अगर डीएम अगर अपने जिला में आ रहा है तो उसको सब चीजों के बारे में पता है, तो डेवलपमेंट भी तो बहुत तेजी से कर लेगा। अब सर आप ऐसे जिले में पोस्टिंग हुई है, और मैंने पढ़ाया था बिग स्टेट स्मॉल स्टेट के समय कि सर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि सर जिला मतलब डीएम को आज तक पता ही चला कि भाई वो गाँव कितना है, वो जा ही नहीं पाया अपने पूरे करियर में, तो सर वो डेवलपमेंट क्या करेगा? सुन पा रहे? और मैं वहां भी बताया था आपको विदर्भ दंतेवाड़ा, इसलिए तो उन डिस्ट्रिक्ट को सर छोटे छोटे में कटा गया, और मैंने बोला था कि स्मॉल और बड़े में क्या फायदा है। तो सर ये स्मॉल डिस्ट्रिक्ट होगा तो डीएम सबसे कनेक्ट कर सकता है, हर गांव में चला जाएगा। और मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड है, आधा से ज्यादा डीएम तो सर जिस जिले में पोस्टेड होते हैं उस जिले के गाँव तक तो पहुंच भी नहीं पाते भाई, कभी नहीं। सुन पा रहे सर? वो पहुंच नहीं पाते। एक जिला एक डीएम है बहुत अच्छा दिमाग लगाया उसने सर, अभी बक्सर का ही है वो या सहरसा का मुझे एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं है, आराम से रात भर सर रात में हर दिन गांव पे अलग अलग ठहरता है, उससे क्या होता है सर मामला दुरुस्त होता जाएगा। और लॉटरी सिस्टम रखा है कि कोई ऐसा नहीं कि सर वो लॉटरी सिस्टम अलग अलग गांव का नाम उसमें लिख दिया गया अपने जिला के अंदर, उसको लुटाया गया, जो लॉटरी में गांव का नाम है बोल दिया गया वहां पे जाइए रात में ठहरा हुई होगा। अब रात में ठहराव का मीनिंग क्या है सर, वहां का सबका लोकल सबका हालत खराब, सारे ऑफिसर्स का हालत खराब, टाइम टू टाइम अपडेट हो गया, अगर वो गलती से सर दो दिन भी रह गया बहुत होता है, दो दिन में तो सर मामला पूरा दुरुस्त हो जाएगा। अगर पीएम आकर मोतिहारी में दो दिन रह जाए ना सर, मैं बोल रहा हूँ सारा इच्छा कच्चा हो जाएगा, ये समझ रहे सर, सारा का सारा हिस्सा सर। इसीलिए कम से कम नहीं कुछ तो साल में एक बार पीएम को लगभग हर जगह चली जाना चाहिए, उससे बहुत फायदा हो जाता है, समझ रहे हैं। और सर पूरा क्या मतलब पूरा तंदुरुस्त हो जाता है। बट अब सर आपके लिए अब ऐसा काम करिएगा जहाँ पीएम का कोई आना ही नहीं चाहे, तो जब बढ़िया काम करेगा तो बहुत लोग, जैसे नाम क्या है, नाम है सर जीतन राम मांझी नहीं, अरे वो कौन थे जो आप दशरथ मांझी, अरे माउंटेन मैन। तो दशरथ मांझी के घर सर क्या आमिर खाना के बोला लिट्टी चोखा खाएंगे, है ना, तो लिट्टी चोखा आके खा के गए आमिर खान। तो सर काम ऐसा किया कि कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बुला लिया जा सकता है। वही मैंने बोला कि आप अपनी जाति धर्म या कर्म मतलब सब चीज़ को कर्म ही से बदल सकते हो, बाकी दूसरा कोई आपके पास उपाय नहीं है। आप कितना भी बोल लो कि नाम हाँ ये नाम क्या गया, कितना भी टाइटल लगाओ आप, कुछ बच्चे बोले सर टाइटल ऐसा लग गया कि जैसे हम बोलते हैं अपना टाइटल सब बोलता है कि सर ये तो बदमाश होगा, तो ये जो बदमाश होगा ये गलत बात है, आप प्रूफ कर लो। अब्दुल कलाम ने भी प्रूफ किया, हर किसी ने प्रूफ किया अपने कर्म से, आप कर सकते हैं, आपकी जाति से कहीं फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अब सर उसके बाद है जुडिशियरी में, मैंने वहाँ लिखा है फॉर प्री के लिए, तो दो चीज मैंने बोला है कि सर घर में अटॉर्नी जनरल उनको नहीं बनाते इसलिए क्योंकि सर हाउस ऑफ प्रॉफिट का मामला ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा चांस है, इसलिए सर हाईकोर्ट एडवोकेट जो रहा है 10 साल तक है जज रहा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जरा नीचे आइए। अब सर इसलिए सुप्रीम कोर्ट लॉयर नाम की कोई चीज नहीं होती, हाईकोर्ट लॉयर हो सकता है बट सुप्रीम कोर्ट लॉयर नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर नाम का कोई चीज वहां होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता क्योंकि सर वहां पे तो कोई भी आदमी जाके आर्गुमेंट कर भी सकता है, तो लॉयर का कॉन्सेप्ट जो है हाईकोर्ट और नीचे चलता है, लॉयर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब एडवोकेट क्या है सर, बोला था एडवोकेट हो जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो। अब सर नीचे आइएगा, वहां पर मैंने कुछ चीजें लिखा है फॉर प्री, ध्यान से देख लो। फॉर प्री के लिए सर अपॉइंटमेंट रिमूवल इंपॉर्टेंट है, बस एक ही लाइन में पूछता रहता है कौन रिमूव कर सकता है, शपथ क्या होगा, ये प्री का वन लाइनर है। और सर उसके बाद वाटर प्रॉब्लम्स इन दिस ऑल इज द मेन टॉपिक। अब सर इसमें से क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब मेंस का टॉपिक है, मतलब अगर प्रॉब्लम रिमूवल है तो रिमूवल कैसे हो सकता है उसका सर मेंस से रिलेट कर लो, कोई ऐसा नहीं है कि प्री का अलग चलता है मेंस का अलग चलता है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि मेंस में आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, प्री में जो है सर जब तक आप डेप्थ में गए तो प्री का ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, तो थोड़ा दिमाग में रख लेना है। नीचे आइए, जुडिशियरी रिफॉर्म्स, जुडिशियरी सुधार, क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। और जिस तरीके से अभी जुडिशियरी और पार्लियामेंट में जिस तरह से खींचा तनाव अभी भी चल रहा है सर, ये पीछे दशक का जो इंदिरा गांधी केशवानंद भारती उन सब जो हुआ है लगभग वही मोड़ आ चुका है, क्योंकि सर एन वी रमन्ना और सीजीआई जितना सारा उनका स्टेटमेंट अलग अलग आ रहा है अब कि सर पॉलिटी और अलग अलग स्टेटमेंट इसलिए आ रहा है कि सरकार ज्यादा पावरफुल होते जा रही है नहीं कुछ, तो थोड़ा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा इस बात के लिए कि सर ये रिफॉर्म सुधार क्या क्या जरूरी है। नीचे आइए, पहला अपॉइंटमेंट और रिमूवल में सुधार होना चाहिए, क्योंकि सर अपॉइंटमेंट और रिमूवल आपको पता है अपॉइंटमेंट खुद ही करते हो लोग, सर आराम से बैठ के चल भाई तू बन जा, अच्छा अगले साल तू रिटायर हो जाइयो तू बन जाइयो, फिर यहाँ डिसाइड खुद ही कर रहे हैं, तो सर इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पेंडिंग केस,
सर इतना पेंडिंग केस है, इसमें भी थोड़ा सुधार होना जरूरी है। तीसरा कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट सर अभी आगे इसमें बताएंगे, इसमें आगे सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट आगे बताएंगे। PIL, ये मैं आपको वहां भी पढ़ाया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बोला था मैंने कि सर PIL जो होता है आप किसी के भी बिहाफ पे ले सकते हैं। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में जो आपने याचिका दायर किया उसको बोलते हैं कि आप PIL। जैसे आपने दायर किया कि सर यहाँ पुल तो बनवा दिए लेकिन गरीब लोग को झोपड़ी जो इधर से उधर किए उसका क्या, उसको कुछ नहीं मिला जो मिलना था, तो उसके वजह से आपने सर उनके पास इतना ताकत है नहीं कि वो PIL फाइल किए, आपने उनके बिहाफ पे फाइल कर दिया। अब जरा नीचे आइए, ये सारे के सारे मेंस टॉपिक है, फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्राइब्यूनल और फिर उसके बाद जुडिशियल एक्टिविस्ट, तो ये सारा का सारा मेंस टॉपिक है। पहले शुरू करते हैं, आइए ध्यान से, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियरी। तो IOJ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, तो सर आपको पता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का मीनिंग क्या है, इधर देख लो, आपको कल ही बताया था I2 इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट तो है ही सर, अपॉइंटमेंट खुद से सर, रिमूवल खुद से, अब दूसरा क्या चाहिए सर, बाकी जो बोलेगा वो सबको मानना ही पड़ेगा। तो ये नीचे पहला है SOP, क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, पहले रूल थ्री। तो ए लीजिए, कोर्ट आर नॉट आंसरेबल टू एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट सो दैट दे कैन टेक अनबायस डिसीजन। तो सर ये भी एक बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पॉलिटिकली जुड़ा रहे तो हो सकता है किसी एक पार्टी को फेवर कर दे या किसी एक गवर्नमेंट को फेवर कर दे, इसका दूसरा पहलू भी तो है, तो सर इसलिए तो उसको इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है, नहीं तो पता चला कि मोदी जी बोले सर बोल दो फांसी टांग दो, अब सुप्रीम कोर्ट ने मार दो फांसी टांग दो, अब हो गया सर, तो काम तो वहां भी गड़बड़ है। तो इंडिपेंडेंट, अच्छा आप डिसीजन अच्छा कब ले सकते हो, जब आप इंडिपेंडेंट रहो, सुन पा रहे हो, अगर आप पे बहुत बोझ है, बहुत दबाव है, तो सर आप डिसीजन अच्छा नहीं ले पाएंगे, आप जब इंडिपेंडेंट है तभी डिसीजन आपको ले पाएंगे, सुन पा रहे मेरी बात, इधर इधर देख लो, तो आप डिसीजन कब ले पाएंगे, जब आप इंडिपेंडेंट है, नहीं तो आपको डिसीजन नहीं मिल पाएगा। अरे मैं इधर देख लो भैया, इधर आ जाओ। दूसरा पॉइंट, फ्रीडम टू चूज मोर नंबर ऑफ हायर मेंबर्स, सर उनको होना चाहिए कि जज चाहे तो अपने हिसाब से जितना मेंबर उसके हिसाब से वो चुन सकता है, सुन पा रहे हो, हाँ है ना, नीचे आओ, बट बायसनेस फिर भी दिखता है इतना सेपरेशन ऑफ पावर होने के बावजूद भी, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी एरा, अब इमरजेंसी एरा में क्या हुआ, जुडिशियल इज बायस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, आपको वहां पे दिखा होगा इमरजेंसी एरा में कि सर कहीं ना कहीं फेवर किया गया गवर्नमेंट को इमरजेंसी एरा में, चाहे जबरदस्ती चाहे जैसे भी। दूसरा पॉइंट एन रे है, ये इंपॉर्टेंट केस है, एन रे को CJI बना दिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेज, 3 सीनियर जज के होने के बावजूद भी एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, मतलब 3 जज जो बनने वाले थे और सबसे सीनियर मॉस्ट थे उनको नहीं बना के एन रे को बना दिया गया, क्यों, क्योंकि एन रे फेवर कर रहे थे गवर्नमेंट का, बाकी 3 जज फेवर में नहीं थे। अब जरा नीचे आइए, तीसरा सर अभी मजा आएगा आपको, 1.2, देन आफ्टर दिस फेवरेबल जजमेंट वेयर गिवन, इसके बाद ऐसे बहुत सारे जजमेंट दिए गए जो गवर्नमेंट के पक्ष में था, सर ऐसे ऐसे हुए कि मतलब सोचो, तो इतना इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी आपको दिखेगा कि भटकाव है, सुन पा रहे हैं। और जरा नीचे आइए, गवर्नमेंट रिटर्न जस्टिस केम जोसफ रिकमेंडेशन एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, सर सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए जस्टिस जो है आपका है सर केम जोसफ, इनका नाम रिकमेंड किया गया था और गवर्नमेंट ने इसको एकदम से खारिज कर दिया, क्यों जरा नीचे देखिए, बिकॉज केम जोसफ उत्तराखंड के हाईकोर्ट के जज थे, कहाँ गए, उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज थे, हु अपोजेज एंड ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इन UK, एंड उनको ही जज सुप्रीम कोर्ट बनाने के रिकमेंड गिवन बाय कॉलेजियम, बट BJP गवर्नमेंट रिजेक्टेड इट, क्योंकि वहां पे सर इन्होंने जो फैसला हाईकोर्ट जज में दिया था वो सर BJP के फेवर में नहीं था, तो सर यहाँ पे BJP ने उसको सुप्रीम कोर्ट जज बनने नहीं दिया। ये क्या दिखा रहा है कि सुधार की तो जरूरत है ना सर, सर इतना इंडिपेंडेंट होने के बावजूद डिसीजन ऐसा आ रहा है, अभी और मजा आएगा, जरा नीचे आओ, जस्टिस रंजन गोगोई हैड टेकन मेनी फेवरेबल डिसीजन टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड सर इसलिए इनको राज्यसभा का MP बना दिया गया, सो कुछ तो गड़बड़ है दया, अरे समझ में, मतलब इतना इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप देखो जस्टिस गोगोई पे सर खुद इतना चार्ज लगा, इतना सर महिलाएं लोगों ने अपना उन पे चार्ज लगाया, कितना कितना उन पे रेपिस्ट और इन सबका चार्ज भी लगा, लेकिन सर खुद फैसला उन्होंने भी सुनाया था, उसके बाद सर उनको राज्यसभा का MP बना दिया, किसने, BJP ने। तो ये सर जो चीज़ है ना ये बहुत गड़बड़ चीज़ है, खोखला कर देता है सिस्टम को। तो अभी क्या बोला, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी सर इंडिपेंडेंट दिख तो नहीं रहा है, सुन पा रहे मेरी बात, जरा नीचे आइए। अब क्वेश्चन है, मैंने एक ब्रैकेट में लिखा होगा उसको देख लो, सो दिस सेवरल इंस्टेंसेज वायलेटिंग द कॉलेजियम रिकमेंडेशन
shows that it is impartiality of court and separation of power in general is biased. मतलब हमें ये जो डिसीजन डेटा देख के तो लग रहा है कि सर बायसनेस तो दिख रहा है, पूरा नीट एंड क्लीन. सुन पा रहे हैं? तो दूध के धुला हुआ यहाँ लग नहीं रहे सर, तो यहाँ दाल में कुछ काला है और कुछ तो गड़बड़ है दया. तो कुछ तो गड़बड़ है दया को देखिए नीचे कैसे ठीक करेंगे. तो मीटर घुमाएंगे आप, अब जरा नीचे देखिए. तो इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज इन बेसिक स्ट्रक्चर. पहली बात की क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर में है, तो सारा लड़ाई तो इसी बात का है. यस, पहले भी बोला था आपको कि सर इन्होंने क्या बोला, बेटा हमें हस्तक्षेप ना करा करो, हम खुद से करेंगे. हमारा जुडिशियरी का इंपॉर्टेंस और इंडिपेंडेंस होना सर ये बेसिक स्ट्रक्चर में है, और बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तुम नहीं कर सकते. अब जरा आ जाओ. यस, इन 1981 अयोध्या इज एडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर बाई SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में. तो SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ केस में इसको और कंथस तरीके से डाल दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर में. बट बेसिक स्ट्रक्चर फीचर वाज फ्रॉम केशवानंद भारती. मेन केस तो बेसिक स्ट्रक्चर का सर सबसे ट्रेडमार्क केस केशवानंद भारती केस है. वहां से आगे जाने के बाद उसको कंथस फिर SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड कर दिया गया. वहां एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ उसको दिमाग में रख लेना, नीचे देखो है वहां पे. Mostly think that IOJ was added in Keshavananda Bharti when basic structure was introduced, but actually it's not. And IOJ is added in 1981 in SP Gupta vs. Union of India case for the first time. देखो, basic structure sir कहीं ना कहीं addition उसका किया गया जरूर, और सबसे importance Keshavananda Bharti case में दिया गया. लेकिन basic structure को और contrast रूप से 1981 और sir independence of judiciary SP Gupta vs. Union of India case में किया गया. तो फर्स्ट टाइम आप ये बोल सकते हैं कि बेसिक जो ट्रेडमार्क केस है केशवानंद भारती का है, लेकिन सर SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको और अच्छे तरीके से ऐड कर दिया गया. पेज नंबर आइए 231. इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट और रिमूवल. सर रिमूवल और अपॉइंटमेंट से क्या क्या फर्क पड़ेगा, प्लीज क्विक थोड़ा देखते जाओ क्विक. ये सब बहुत फैक्चुअल है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं देना है, जल्दी देखते जाओ, दिमाग में अपना चिपका लेना बस. पहला, प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय द जुडिशियरी. पहली बात एनालिसिस किया गया कि सर जुडिशियरी पूरा का पूरा कंट्रोल करता है. दूसरा पॉइंट, ऑर्डिनरली कॉलेजियम रिकमेंडेशन आर एक्सेप्टेड बाई प्रेसिडेंट जनरली. मैंने क्या बोला था कि ज्यादातर केसेस में जो रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन क्या नियम था कि अगर दोबारा कॉलेजियम फिर वापस भेजे तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है. लेकिन शुरुआत में ही हम ऐसे नाम भेजते हैं कि पहले बार में ही एक्सेप्ट हो जाए. थर्ड पॉइंट, प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो थोड़ा थोड़ा रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे है. मतलब प्रेसिडेंट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप तो है ही सर. नीचे आइए, इंटायर रिमूवल प्रोसेस इज इन एंड पार्लियामेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज. तो इंटायर जो आपका प्रोसेस है, इंटायर रिमूवल प्रोसेस इज इन हैंड ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट. मतलब जज, मतलब क्या सर, जो इंटायर प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट जजेज में तो है ही है, पार्लियामेंट ने थोड़ा हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी तो एनजीआई को सीधा पूरी रूप से खारिज कर दिया गया. अब जरा नीचे आइए, उसके बाद है इशूज इन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. दिख रहा है ना? तो बोलो अब क्या क्या प्रॉब्लम है आज आपको समझ में आएगा. फर्स्ट पॉइंट, सबसे डेटा इंपॉर्टेंट, सारा डेटा मेंस में चिपका होगा, मैं बता दे रहा हूं एज इट इज. पहला पॉइंट देखो, सेल्फ अपॉइंटमेंट सिस्टम. भाई खुद ही कर लेते हैं जो मैंने खुद ही देखो, खुद ही कर लेते हैं लोग. सो बैकडोर पॉलिटिक्स तो होती ही है. मान लो अगर खुद ही से कर रहे हो तो सर वही बात है, सामने से आप भले कितना भी इंडिपेंडेंट कर लो, कोई ना कोई पॉलिटिकल तो होगा ही सर, क्योंकि आपका प्रोसेस में लॉ का तो रूल ही नहीं है. आप खुद से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हस्तक्षेप तो होगा ना सर. दूसरा पॉइंट, प्रोसेस इज नॉट ट्रांसपेरेंट, बिकॉज लाखों लोग हैं जो एडवोकेट हैं जो 10 साल से हैं, बट आप किसी एक को चुनते हैं, किस बेसिस पे चुनते हैं आप? सर एक आदमी थोड़ी है, लाखों लोग ऐसे हैं जो सर 10 साल से सर बूढ़े हो गए, लेकिन आप उनको नहीं बना रहे, उसमें से किसी एक को चुन रहे हो. तो इतना आसान क्या तरीका है, मतलब क्या प्रोसेस है? कोई तो लॉजिक होगा, अरे कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना. कोई बेसिस ही नहीं है सर, मतलब कोई बेसिस नहीं है. आप 10 लाख लोगों में से किसी एक को चुन रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं तरीका क्या है? ना कोई नियम, ना कोई कानून. जैसे सर मुझे लगता है जैसे टॉस करते हैं आप क्रिकेट में या फुटबॉल में या जो भी, तो टॉस करते हैं कि पहले बैटिंग कौन करेगा, पहले बॉलिंग कौन करेगा. सुन पा रहे मेरी बात? तो टॉस अगर कर रहे हैं कि बैटिंग और बॉलिंग कौन करेगा, तो दो चीज का ध्यान रखो. टॉस में तो सर आपके और हमारे बीच कुछ पता ही नहीं है, वो तो सर सिक्का है ना, कि सिर्फ जिसमें कोई बायसनेस तो है नहीं. आप उसमें कितना भी तोड़ मरोड़ कर लो, कितना भी आप ज्ञान लगा लो, सर कोई नहीं है. सर लक इज फेवर, लेवर इज गोवर, वहाँ वही होता है. तो वहाँ पे सर आपने फेंका है तो क्या आएगा नहीं आएगा उसका कोई पता नहीं है. और ये सर अगर ऐसा रहता कि बैटिंग करने से पहले दोनों टीम के कप्तान दौड़ेंगे, जो पहले जीतेगा उसका बैटिंग, अच्छा जो हारेगा उसका मान लो बॉलिंग, तो दोनों में क्या है पोटेंशियल के बेसिस पे होता कि जो तेजी में दौड़ जाएगा सर उसका पहला बैटिंग आ जाएगा. अब सोचो जिस पिच पे पहले बैटिंग करना अगर फायदेमंद हो,
और दोनों कप्तान तो सर दौड़ ही रहा है खाली, समझ में आ रहा है कि भाई किसी भी तरीके से टॉस फैक्टर पे आ जाए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि 10 लाख लोग कर रहे हैं, आपके पास कोई फैक्टर ही नहीं है। आप किसी को उठा के एकदम से, अच्छा आप लोग में जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या प्राइम मिनिस्टर का, तो कम से कम आपको पता होता है कि कैंडिडेट कितना है, पता तो होता है ना कि कैंडिडेट चलो 5 है 10 है 6 है 2 है 4 है, नाम भी पता हो जाता है। लेकिन सर वहां तो आपको पता नहीं चलता, सीधा क्या पता चलता है, जस्टिस एनबी रमन्ना बन गए हैं, आपको सीधा पता चलता है बन गए। अच्छा आप याद कर लेते हैं सीजेआई एनवी रमन्ना, समझे ना, बाकी तमन्ना अब आपका कोई नहीं है उसमें, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कुछ होने वाला नहीं, आपकी तमन्ना सर साइड ही रह जाएगी, नीचे आइए। तो सर पहला है कि रिमूवल इट्स नॉट फुली आयोजन, रिमूवल प्रोसेस इज सो कॉम्प्लेक्स दैट नो वन वांट्स टू चैलेंज रिमूवल ऑफ जज। सर रिमूवल प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, स्पेशल मेजोरिटी टू इतना हार्ड है कि सर उसको हटाने में और जुटाने में बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा भाई, इसलिए सर कोई अप्लाई नहीं करता कि रिमूव किया जाए। अब जरा फोर्थ पॉइंट, इट्स नॉट फुली आयोजे बिकॉज COM एडवाइसेज द प्रेसिडेंट। क्या बोला, पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस तो नहीं है, क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस भी तो करता है, और मैंने बोला था आपको कि फुली तो नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ हस्तक्षेप तो होगा ही होगा। आइए नीचे, सॉल्यूशन रिवाइव द एनजा एक्ट बट इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनजैक को लाइए, एनजैक सर बुरा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन सर आप ये भी इंश्योर करिए कि जुडिशियरी का जो अपना स्वतंत्रता है उसको मेंटेन करिए। आप सर अपोजिशन पार्टी और पीएम दोनों मिलकर सर बैंड बजा दोगे उसका, तो आप कम से कम, अरे बताया था ना कल, तो सर कम से कम 2 जुरिस्ट को चुनने के लिए आप लाइए एनजैक। लेकिन सर अगर आप एनजैक लाके और खुद पीएम और अपोजिशन पार्टी को रख रहे हैं तो बायसनेस तो दिख ही रहा है, तो कम से कम आप एनजैक लाके सर उसका स्वतंत्रता को आप बनाइए, बना रखिए, क्योंकि सर स्वतंत्र अगर नहीं रहेगा तो डिसीजन नहीं ले पाएगा। आप सोचो ना, कोई चापलूस आदमी है जो पैसा खाता है किसी पार्टी का और उसी का काम करता है, कोई भी डिसीजन आएगा, मान लो आप आइए सो, आप अपने में सोच लो, आप किसी एक पार्टी को फेवर करते हो, बीजेपी को, मैंने एक बार पूछा भी था और यही इंटरव्यू में पूछा भी गया था, आपसे बोला गया कि सर आपने एक पार्टी का साथ फेवर किया, बीजेपी को खूब फेवर करिए, बीजेपी भी आपको खूब फेवर कर रही है, आप गए, बीजेपी ने बोला था कि जाओ और उसको मार दो, आप गए, आपने सर ऑर्डर दिया, मरवा दिया। देखा क्या सर, गरीब लोग हैं, काफी मेहनती हैं, मतलब समझ रहे हैं सर, वो बहुत इतने मेहनत करके आए, लेकिन आपको पता है गलत हो रहा है, नैतिकता आपको पता, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है क्या मारना है, अब ऊपर से ऑर्डर है मारना है, और सर नैतिकता आपका कह रहा है कि यार ये तो गलत है, तो इस केसेस में सर आपको क्या नहीं लगता है कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहोगे। लेकिन सर वही मैंने बोला आपको, ये ध्यान में रखना है कि जब अगर इंडिपेंडेंट रहते आप, जवाबदेही नहीं रहती अगर आपको, तो सर क्या आप आराम से रिलैक्स होकर डिसीजन ले पाते, लेकिन सर आपको जवाबदेही देनी है, नहीं मारोगे दोस्तों पूछेगा का रे पैसा कह देते हैं तुमको, अब सर ये समझ में आ रहा है, तो आप उधर फंसे, अब नैतिकता गया तो वो रोने लगी, वो बोलने लगी क्या बाबू साहब आप आईएस है हम ही लोग को मार रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन आएगा ना सर, इस सिचुएशन में आप मारे जाओगे, उस समय आपको थोड़ा सा फैसला लेना है, तभी तो आप आईएस बनेगा, तो क्या फैसला लीजिएगा, किसी और को मरवा दीजिए गुंडा उंडा को और बोल दीजिए उसको मार दिए, बात खत्म, नीचे आइए, बहुत इतना आसान नहीं है, नीचे आइए। खैर उस समय आप जानना क्या करना है, पहला सर आइए इशूज के बाद सोल्यूशन। तो पहला क्या बोला, एनजैक को लाइए बट एनजैक में सर जुडिशियरी का स्वतंत्रता भी रखिए। दूसरा पॉइंट, कॉलेजियम सिस्टम शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड टू पब्लिश द मीटिंग पब्लिकली। क्या बोला था, पहले सर अपने में कर लेते थे, अब क्या बोला, ऑनलाइन होगा, पूरा पब्लिक देख सकती है लाइव उसको टीवी पे, कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में क्या डिसीजन हो रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है, सुन पा रहे हो, अरे आए ना, नीचे आओ। तीसरा पॉइंट, सीजेआई ऑफिस इज अंडर आरटीआई एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो डन इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका ऑफिस आरटीआई के तहत है, मतलब आप अगर कोई चीज उनसे लेना चाहें कोई जानकारी, तो आपका हक है सर, आप आरटीआई डालिए, सुप्रीम कोर्ट पूरा जवाब देगी कि कौन डिसीजन क्यों कैसे क्या लिया गया है, मतलब आपका हक है। और याद करो जब मैं पढ़ा रहा था उसमें पार्लियामेंट में, तब तो बोला था कि सर जब बात आई थी कि सर कौन कौन से, जब ट्रांसफर का बात हुआ था कि जब आपको राज्यसभा के एमपी बनाना है तो कोई भी कहीं का भी हो, अरे याद है जो मनमोहन सिंह को बनाने के लिए किया गया था कि नियम ही हटा दिया गया और बोला गया कहीं का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसी बात आया कि राजनीति पार्टी आरटीआई के अंदर आ जाइए तो किसी ने भी सपोर्ट, कहे कि सर उनको हर चीज का फिर लेखा जोखा देना पड़ता, तो सर जब अपना आता तो नहीं, लेकिन देखो यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोल रही है भाई, सीधी सी बात है कि भाई आरटीआई के तहत है, आरटीआई के तहत आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमसे ले सकते हैं, हम पूरा देंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन। नींद में है, नीचे नीचे आइए, नीचे आइएगा। उसके बाद 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट सेड एलसीआर, शॉर्ट फॉर्म में एलसीआर बार बार लिखा रहेगा, 14th लॉ कमीशन
रिपोर्ट सेड दैट एवरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट शुड बी डन बाय कंसल्टिंग सीजेआई टू मेक थिंग्स मोर पार्शियल। तो सर ये 14th लॉ कमीशन क्या बोलता है कि जितना भी आपको सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हुआ है, आप देखोगे हर जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। अरे वन सीजेआई प्लस टू सुप्रीम कोर्ट जज, वन सीजेआई प्लस फोर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज। तो सर सीजेआई तो रहेगा ना जो पहले का है, क्योंकि सीजेआई तो एग्जैक्टली सर वो डिसाइड भी कर पाएगा कि कितना पार्शियल है कितना नहीं है, वो तो कम से कम समझ पा रहा है क्योंकि पहले से है। जरा नीचे आइए, उसके बाद है सर 18th लॉ कमीशन रिपोर्ट, मैंने बोला LCR हर जगह आएगा, सेड दैट सीनियर मोस्ट जजेज शुड बी इन कॉलेजियम। सर 18th लॉ कमीशन रिपोर्ट बोलता है कि सीनियर मोस्ट जो है वो कॉलेजियम में होने चाहिए, और पहले ही बोला था कॉलेजियम में सीनियर मोस्ट जज तो थे ही सर, और एनजैक में भी सर प्रपोजल में डाला गया था कि टू सीनियर मोस्ट, नहीं बोला था वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू, मतलब दिमाग में है ना, वन क्या था सीजेआई, टू सीनियर मोस्ट, एक लॉ मिनिस्टर और टू इमिनेंट जूरिस्ट जिसको चुनेंगे तीन आदमी, पीएम और कौन सीजेआई और अपोजिशन लीडर। जरा नीचे आइए, अब 12th LCR सेड मेक नेशनल जुडिशियल कमीशन फॉर फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट। 12th LCR कहता है कि सर आप एनजैक बनाइए फ्री और फेयर अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि सर 10 लाख 20 लाख लोग वकील हैं, उसमें से किसी एक को आप बना रहे हैं, दो को बना रहे हैं, 10 को बना रहे हैं, तो सर कुछ ना कुछ ग्राउंड होना चाहिए। क्या है, क्या है मतलब किस बेसिस पे। नीचे आइए, आंसर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें क्या 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 120, हाँ ठीक है 121 ही होगा, मैं 12 बोल दिया क्या, हाँ 121 होगा, 121 कर लीजिए, ठीक है 121 LCR। वैसे भी आप नॉर्मल अंदाजा लगा सकते हैं तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, 14th के बाद 80 है तो 121 ही आएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आइएगा सर, आंसर स्ट्रक्चर में क्या है देख लो, मेंस का आंसर स्ट्रक्चर पहले बता चुका हूँ, कुछ स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है ऐसे कि बनाने के लिए। पहला क्या बोला है, वाई इज अपॉइंटमेंट रिवोल इशू इन न्यूज, पहली बात की सर अपॉइंटमेंट रिवोल न्यूज में क्यों है, तो करंट से रिलेट करो। दूसरा पॉइंट, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पीछे का प्रोसेस आप डाल दो, हाई कोर्ट का कितना दिन रहना चाहिए, ये सारा कुछ। थर्ड पॉइंट, व्हाई डज सच ए प्रोसेस एग्जिस्ट, ये प्रोसेस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा, आपको पता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होना चाहिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है, लेकिन सर उसमें भी और क्या सुधार लाना है, वो आप पॉइंट डालो नीचे कि सर होना तो चाहिए बट इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, एनजैक लाओ लेकिन इंडिपेंडेंस रहे। फोर्थ है प्रॉब्लम, उस पर सॉल्यूशन दे दो, एंड व्हाई आयोजन नेसेसरी, और कंक्लूजन में आप यही डालोगे सर आखिर आयोजन नेसेसरी क्यों है। सर अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिला रहेगा, तो डिसीजन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, सुन पा रहे यही वाला डीएम वाला हाल हो जाएगा, बीजेपी बोल रही है मारो और उधर सर गलत लोग रो रहे हैं, तो सर ये उनके से भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कम से कम इंडिपेंडेंट रहना तो पड़ेगा सर। नीचे आइए, अब है 232 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिख रहा है, रहा ना तो बोलो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थोड़ा हिंट मैंने वहां पहले भी दिया था लेकिन पहले देख लो यहीं पे। कंटेम्प्ट मीन डिसरिस्पेक्ट, मतलब सर आपने कोर्ट की बात को अवहेलना करी किसी तरीके से, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कोर्ट के नियम या लॉज या रेगुलेशंस पे बुरा प्रभाव पड़ा। अब बहुत कुछ बोल देते हैं लोग, अब उन्हें क्या क्या बोलते हैं जरा नीचे देखिए। तो डिसरिस्पेक्ट सिंपल समझिएगा, मतलब कोर्ट की बातों का सर बेइज्जती करना, बेइज्जती करना और डिसरिस्पेक्ट के अलग अलग मतलब हैं, आप या तो उनकी बातों को नहीं मानना या फिर आपने क्या किया सर कुछ ऐसा बोल दिया जो सर अनलॉफुल था, मतलब आपको बोलना नहीं चाहिए था, आपने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट सर चोर है, अब आपने सर कोई बिना बैकग्राउंड का आपने बोल दिया, अब ये जो आपने स्टेटमेंट बोला ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, तो इन सब स्टेटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फैसला लेगी और बढ़िया वाला लेगी। तो जरा नीचे देखिए क्या क्या है, कौन सा एग्जांपल है, मजा आएगा आपको। फर्स्ट, कॉलेज के दीवार पे आपने लिख दिया बैड, कॉलेज इज अ बैड मान लो लिख दिया आपने, तो सर कॉलेज की दीवार पे अगर आपने बैड लिखा है तो आपने एक इंस्टीट्यूट को बदनाम किया, लेकिन अगर किसी इंसान के माथे पे आपने कुछ लिख दिया तो सिर्फ इंसान को बदनाम किया, वहाँ मैंने कुछ और भी लिखा है। एंड सर बैड लिखना है डिसरिस्पेक्ट, बट प्रोफेसर को कुछ बोलना इज जो है डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ ए पर्सन, और आपने प्रोफेसर को सिर्फ कुछ बोला है तो मान लो पर्सनल हो सकता है, लेकिन सर कॉलेज के दीवार पे लिख दिया है तो सर क्या है इंस्टीट्यूट को आप बदनाम कर रहे हैं। सेम है सुप्रीम कोर्ट, आप जज को बोल दीजिए कि जस्टिस रंजन गोगोई जो है चोर है, तो आपने एक आदमी को बोल दिया, लेकिन सर इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपने इंस्टीट्यूट को ही तो बोल दिया, मतलब डायरेक्ट आप कितना भी कह लो कि वो पर्सनल है आप कितना भी चिल्ला, हम तो खाली जस्टिस को बोले थे, अच्छा तो जस्टिस होता कहाँ का भाई, सुप्रीम कोर्ट का, तो अल्टीमेटली आपने किसको बोला सुप्रीम कोर्ट का, तो सर ये तो आपको कितना भी घुमा फिरा लो क्या फर्क पड़ता है, और यही घुमाए फिरे हैं लोग। देखिएगा नीचे नाम, ए पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन प्लस MP प्रिविलेज मिलते हैं उनको, बी में सोसाइटी प्लस सिटीजन है, डिफेमेशन कोर्ट प्लस जज, ये क्या है नीचे समझ में आएगा। Contempt of court idea is based on the principle of violating the dignity of institution or a person. तो contempt of court का simple meaning है कि आपने किसी भी इज्जत institute की या person की जो उछाली है या उसके बारे में कुछ बोला है, that is called contempt of court. नीचे आइए,
कोर्ट की बात नहीं मानी या कुछ अनाप शनाप कोर्ट के बारे में बक दिया या जजेस के बारे में जो बोलना नहीं चाहिए तो भी बक दिया, इसको क्या बोलेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया हुआ, समझते जाओ, नीचे आ जाओ। सेवरल इंस्टेंसेस सच एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण का नाम बीच में अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो चर्चे में खूब था, अब भूल जाते हैं लोग। तो क्या था जरा नीचे देखिए। सबसे पहला कुणाल कमरा, एक कॉमेडियन है राजस्थान के, तो कुणाल कमरा कॉमेडियन ने बोला था, और स्वरा भास्कर हो अनिल भट्टे सन्नाटा वाली, सुन पा रहे हैं अनिल भट्टे सन्नाटा। तो सर इन्होंने क्या बोल दिया था, तो इनको भैया लगते लगते बच्चा ये था, इन्होंने बहुत कुछ सर कोर्ट के बारे में बोल दिया था और सुप्रीम कोर्ट उसका बोला हाथ में रहो। तो बेसिकली क्या हुआ, प्रोसीडिंग नहीं चलाया गया। प्रशांत भूषण को भी बोला गया था माफ़ी मांगो, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफ़ी उसके बाद फाइनली नहीं मांगा, क्योंकि सर बोला गया कि कोई भी कोर्ट का अवेला नहीं है, हम तो सच बोले हैं। लेकिन सर उन्होंने मतलब कोर्ट के डिसीजन में फैसला उठाए थे कि कोर्ट जो डिसीजन देती है वो फेवरेबल होता है। अब ये डिसीजन उन्होंने दे दिया, अब सर पूरा बवाल मच, उस पर राजनीति हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था। तो उसमें प्रशांत भूषण को बोला गया कि माफ़ी मांगिए। प्रशांत भूषण माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं मर जाऊंगा माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि सर हमारा ईगो है। ऐसे थोड़ी है क्योंकि हम वीवो का फ़ोन चलाते हैं, ईगो मेरा है तो सर अब वो ईगो है तो नहीं मांगे। बाद में कोर्ट ने कहा उनको, सर बोला कि ठीक है आपकी बार माफ़ी दे रहे हैं, अगर दोबारा कुछ हुआ उसके बाद क्यू वारंटो करेंगे यार, तो नहीं तो उनको सर नहीं किया गया। तो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग है कि सर आपने कुछ अनाप शनाप बक दिया, बस वो हो गया, बेकार काम नहीं चाहिए। व्हाट इज कंटेम्प्ट एंड व्हाई कंटेम्प्ट? डिसरिस्पेक्ट डिग्निटी प्लस अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट। सेम चीज है, बार बार रिपीट हो रहा है। कंटेम्प्ट इज इम्पोज्ड बिकॉज टू प्रोटेक्ट कोर्ट फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक एंड अनवांटेड क्रिटिसिज्म। सर इधर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट चाहे अगर उसको लगेगा इसने बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया है, सर सडनली एकदम से लेगा उसको पल्ले के उस पर लपेटे में लेकर सर बढ़िया वाला काम कर देगा उसका। तो बेसिकली अगर नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल देगा। और सर सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है यार, और उसकी इज्जत अगर ना हो तो फिर अच्छा आप लोग बोलेंगे पीएम का ही। सर आपके आपके और हमारे लिए इज्जत पीएम का, अगर पीएम को किसी ने थप्पड़ मारा है तो सर एक देश के लिए वो बहुत शोक और शर्म की बात है। आप समझ पा रहे हो, राजनीति से ज्यादा शर्म की बात है कि एक पीएम को लगा, क्योंकि वो देश का पीएम है, और देश का पीएम अगर हारा मतलब देश हारा। तो सर जब आपको कश्मीर का मुद्दा पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, हरि सिंह ने बोला अगर सेना नहीं आई तो गोली मार देना, तो हरि सिंह बोले थे कि सर हम यहां से भागते हैं, लेकिन क्या बोला उनका कमांडर कि सर आप राजा हो, अगर आप भागते हो और गलती से भी पाकिस्तान वाले ने अगर आपको पकड़ लिया तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि राजा आप है, हमारा ओब्लिगेशन आपके साथ है, आप गए पूरा राज्य खत्म, और साइन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप जैसे भी कुछ है तभी जाकर वो काम बनता है। तो हरि सिंह को सर उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वो कमांडर इन चीफ ने लिया, और प्रोटेक्ट उस कदर किया कि सर कोई छू तक नहीं पाया, क्योंकि इसका एक ही बात कहना था सर आप परेशान मत थे, बोले क्या कि पब्लिक बहुत परेशान है, बोले सर पब्लिक अभी परेशान है ठीक हो जाएगी, बट प्रॉब्लम है कि अगर आप गए ना तो फिर सारा ये पब्लिक जो परेशान है वो जीवन में परेशान रह जाएगी, क्योंकि आप गए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, जैसे गए पाकिस्तान के बीच काम खत्म, उसके बाद सर हमारा भी कुछ नहीं चलेगा, हम किसी और के गुलाम। अरे समझ पा रहे हैं? तो सर देश का पीएम तो इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली देश का सर्वोच्च न्यायालय इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे कैसे कुछ भी बोल देगा भाई, मजाक चल रहा है क्या, आप कूट देंगे, नीचे आओ। अब सर उसके बाद नीचे है आर्टिकल 129 से ऊपर। पहला है सर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ आर्टिकल 19। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का ही सर एक अलग प्रारूप है कि सर आपको कोई ऐसा कुछ भी बोल नहीं सकता। नीचे विच गिव्स एवरी वन स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम, मतलब सर आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का है, आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहें कर सकते हैं, तो आप एक्सप्रेस कीजिए। लेकिन एक्सप्रेस करने का मीनिंग थोड़े किसी दूसरे की बेइज्जती कर देंगे आप, आपको आके बोलना है सर आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आके आप बेइज्जती थोड़ी कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट चोर है, ये है फलाना ठिकाना है, आप आइए आप बोलिए आपको जो बोलना है बोलिए, बात खत्म करिए। आप आइए नीचे। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 19 वर्सेस कॉन्टेम्प्ट, यही क्वेश्चन आया था कि सर आर्टिकल 19 में और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है क्यों? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट साइड में देखिए लिखा है, बस उतना ही दिमाग रखिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट कोर्ट एंड जज के बारे में आप उतना बोल सकते हैं और कितना नहीं, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। सर इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होना ही चाहिए, जरा नीचे आइए। अब सर आर्टिकल 129, अब पापा कितना भी दोस्त बन जाए तो औकाते में रहिएगा, नहीं तो सर औकात सिखा देंगे पापा, उसके बाद 2 मिनट में चप्पल निकालेंगे और सारे का सारा रिलैक्स जो है बरसा देंगे आप पे। अब कितना भी पापा दोस्त मूड में हो, अच्छा कुछ लोग पापा के साथ पीते उते नहीं मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे भी गार्जियन कुछ है, मतलब हमें नहीं पता लेकिन है, मतलब कम है, हाँ लेकिन बहुत कम है, लेकिन है। सर वो बता रहे रिजल्ट आएगा तो ये पियेंगे,
लाइफ बड़ा वाला है ना, कोई दूसरा मार्केट कंपनी अगर सर फर्स्ट किया तो ये, अच्छा सेकंड किया तो ये, उसके बाद बोलते अगर फेल किया तो ये, कहते पास हो जाएगा ना कहते क्या यार पास हो जाएंगे भाई तो ये जो है इधर बिहार में कम मिलता है, लेकिन मिलने देखने को मिलता है, मैंने तो देखा है खुली आंखों से देखा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन फर्क ये था कि लोग पहले कहीं और रहते थे, ठीक है, मतलब पहले अमेरिका रहते थे तो उसके बाद रिटर्न आए मोतिहारी, तब ऐसा था। खैर कोई बात नहीं, बिहार का नाम तो बोल ही सकते हैं। नीचे आओ सर, आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू पनिश दोज हु कंटेम्प्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज ओनली। आर्टिकल 129 के पास ये पावर देता है सर सुप्रीम कोर्ट को, अगर किसी ने कुछ बोला है तो लपेटे में लो और पूरा सर हुनाई करो। मेरे पास समझ में आ रही है, पूरा धुनाई। नीचे आइए, दूसरा आर्टिकल 215, हाईकोर्ट कैन टेक केस अगेंस्ट हाईकोर्ट कंटेम्प्ट प्लस लोअर कोर्ट ऑल्सो। अगर हाईकोर्ट जो सर 215 उसको पावर है कि हाईकोर्ट के अगेंस्ट कोई बोला है तो हाईकोर्ट भी लपेटे मिलेगा और पूरा क्यू वारंट तो करेगा। नीचे आइए, हाईकोर्ट के बाद सर बोथ हाईकोर्ट हैज ब्रॉड कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन देन सुप्रीम कोर्ट। ये हाईकोर्ट हैज ब्रॉड क्यों है, क्योंकि सर एक कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बोला है उसको भी ले सकता है। जैसे वहां पे बताया था आपको कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल और जो आपका जो सोचने का जो आपका शक्ति है, मैंने बोला था गवर्नर के पास कोई नहीं है। अरे भैया गवर्नर के पास तो है ही है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है, जो डिस्क्रिशनरी पावर बोला था विचारशीलता। अब भी एग्जैक्टली उसी तरीके से मैंने बताया था कि हाईकोर्ट क्या है, उसके पास फंडामेंटल राइट के लिए भी केस आप जा सकते हैं, और सारे राइट और सारे केसेस में जा सकते हैं, इसलिए हाईकोर्ट के पास ज्यादा पावर है किसके कंपैरिजन में, सुप्रीम कोर्ट का, इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सर वहां पे आप दोनों चीज के लिए जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आप तभी डायरेक्ट जा सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट सिर्फ वायलेट हुआ है। तो इसलिए मैंने वो सेम यहाँ पे बोला कि हाईकोर्ट सर अपने 215 में आर्टिकल के तहत अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में या हाईकोर्ट के बारे में बोलता है तो हाईकोर्ट सर तुरंत संज्ञान लेगा और क्यूओ वारंटो। अच्छा क्यूओ वारंटो याद है ना, नहीं याद है क्या, जिनको नहीं याद है तो बता देते हैं। तो क्यूओ वारंटो क्या था कि सर औकात में रह गए, जैसे खाकी वर्दी वाले और पुलिस वर्दी वाले, मैंने बोला था आपको, तो सर उनको है कि सब क्या, अरे और भी दे देंगे, चिंता मत करो, अभी तो अभी पहले पढ़ा लेने दो, अभी इसको कर लेने दो, एग्जांपल बहुत सारे हैं। अब सर मान लो दिया और बोला कि सर आप अपने सो कॉज नोट, मतलब अगर आप जो औकात में जितना चेक कर सकते हो उतना चेक करिए, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करिए, बस इतना आपका औकात है खाकी वर्दी वाले का, तो ड्राइविंग लाइसेंस चेक करिए और फिर अपना इंश्योरेंस वगैरह देख लीजिए, ठीक है। आप पॉल्यूशन वगैरह चेक कर रहे हैं या फिर और भी कुछ, तो ये उनको नियम नहीं कि जूता पहनो नहीं पहनो, तो सर ये जो नियम उनका नहीं है, तो अगर ऐसा वो करते हैं तो हम लोग भी बोल दिए तो फालतू में तो बड़ा मान मार रहा। तो सर मान लो गए बोले क्यूओ वारंट हो तो पीछे ले गया और पूरा इतना बमका के मारा कि स्कूटी में बैठ के जाने लग नहीं दे। नीचे आइए जरा, तो सर आर्टिकल 129 किसको पावर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 215 किसको, हाई कोर्ट को, कि अगर आप उनका सर अवहेलना करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो पनिशमेंट वो लोग करेंगे। नीचे सर वहाँ पे देखो एक आर्टिकल 129 लिखा हुआ है, उसी चीज को मैंने वहाँ समझाया हुआ है, और सर दो चीज लिखा हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970, सर एक्ट बना हुआ है इस पे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को पावर दिलता है। लेकिन सर उसके ऊपर देखो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट को दिया है 215, और उसी से निकल के एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कौन सा 1971, और सर ये सोच के देखो 1971 में क्यों बना है, इंदिरा गांधी के समय कोर्ट बायस कर रही थी, कोर्ट अपने सुप्रीम कोर्ट जो है उस तरह से सर नहीं थी फेवरेबल, अलग अलग डायरेक्शन, मतलब आप बोलेंगे कुछ ना कुछ देश के हित में, लेकिन सर फेवरेबल नहीं थी, तो वहां बनाने की उस समय जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहना शुरू कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से मिली हुई है, सरकार की तलवे चाटती है, ये वो फलना ठिकाना, बहुत सारे चीज आप उस समय न्यूज पेपर देखेंगे बहुत ज्यादा कुछ बोला गया था, इसलिए सर उस समय मजबूरी हो गया कि लाना पड़ेगा, कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो सर उसके बाद समझ रहे क्यू वारंटो। नीचे आइए, तो सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए बनाया गया टू सपोर्ट 129 एंड 215, ताकि आर्टिकल 129 सर आर्टिकल 215 को सपोर्ट किया जा सके, मतलब कि कुछ और भी करे तो सर इस एक्ट के तहत भी खूब पिटाई किया जाए। दो है, एक है सिविल कॉन्टेम्प्ट, दूसरा है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। अच्छा सब सुन पा रहे हो, सिविल कॉन्टेम्प्ट मतलब आपने क्या, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट क्या, दोनों को समझो। देखो नेक्स्ट पेज पे पूरा अच्छे से डिफरेंस बनाया हुआ है, दिख पा रहा है, आ जाओ। सिविल कॉन्टेम्प्ट में है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर, सर आपने जानते बूझते कोर्ट का बात नहीं माना, ये है सिविल कॉन्टेम्प्ट। सिविल समझ रहे हैं मतलब नॉर्मल बात, और सर ऑर्डर नहीं माना। क्रिमिनल मतलब क्या, सर आपने क्या किया, मतलब चाकू उठाया जस्टिस गोगोई को सर आर पार कर दिया आपने, अब ऐसे में सर सिचुएशन में बड़ा भयंकर काम हो जाएगा। तो नीचे ये सिविल डिसोबीडियंस ऑफ ए कोर्ट विलफुल, विलफुल मतलब क्या है, जानते बूझते
समझ रहे हैं, मतलब ये नहीं अनजान, जानते बूझते आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं बोला, नहीं मानेंगे क्या कर लोगे, तब उसके बाद कोर्ट बुलाएगा और बताएगा क्या करेंगे। ठीक है, आना जरा उसके बाद नेक्स्ट, नीचे दूसरा पॉइंट है ना क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में आपको दिखेगा एक्ट और पब्लिश दैट स्कैंडलाइज सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर आपने कुछ ऐसा कुछ पब्लिश कर दिया है, लिख दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सर उसके जो उसका अपना व्यवहार है, जो उसका अपना पॉपुलैरिटी है, जो उसका अपना गरिमा है, उसको आपने क्या कर दिया, बेकार कर दिया। तो सर यहाँ पे दो चीज दिमाग में रखना, डिफेमिंग और स्कैंडलाइज का मीनिंग है डिफेम करना, मतलब उसको बदनाम करना, वहां ब्रैकेट में डिफेम भी लिखा होगा, नहीं लिखा है क्या, होगा लिखा हुआ। उसके बाद नीचे आना इंटरफेरेंस इन केस प्रोसीडिंग, अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं केस के प्रोसीडिंग्स में, सर आपको हक नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के केस में आप क्या कर रहे हो सर, इंटरफेयर कर रहे हो, किसी को भी हक नहीं है, रूल 3 ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। नीचे आइए इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, अब सर आप जाके बोल नहीं नहीं फैसला ऐसा मत दीजिए, मतलब आप कोर्ट का भी अवहेलना कर रहे हैं और प्लस उसका जो न्याय उचित जो डिसीजन है उसमें भी अवहेलना कर रहे हैं। तो जब कोर्ट प्लस जस्टिस दोनों में इंटरफेयर कोई करे तो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट है, और जब सिर्फ कोई कोर्ट की बातें या उससे रिलेटेड कुछ काम करे ओनली कोर्ट, तो उसको बोलेंगे सिविल कॉन्टेम्प्ट। लेफ्ट साइड में देखो सिर्फ लिखा होगा कोर्ट ओनली, देखो कोर्ट रिलेटेड, और नीचे एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, और इधर देखो कोर्ट प्लस जज लिमिटेड पावर। ये लिमिटेड पावर और एब्सोल्यूट पावर क्या है, नीचे उसको पढ़ो लिख जाएगा। कॉन्टेम्प्ट किसी पे भी लगाया जाता है चाहे वो खुद जज ही क्यों ना हो, ये जरूरी नहीं, सर जज भी तो बोल देते हैं खुद कोर्ट, खुद जज बोल देते हैं कि सर ये बेकार है और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और ये सिस्टम बेकार है, तो उन पे भी लगाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लोगों दूसरों के लिए है, क्योंकि आप जिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो वहां से भी चीजें बदलती हैं। सुन पा रहे हो, अब बस क्या करो, कुछ नहीं करो, एक मिनट सिर्फ आप व्हाट इज नॉट कॉन्टेम्प्ट को खाली रीड करो, बस व्हाट इज नॉट ए कॉन्टेम्प्ट, उसके नीचे आओ जल्दी से। हो गया, देख लिए, अब ऊपर में आओ। मैंने बोला है नोट, उसके ऊपर जो पॉइंट है नोट, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। इफ वी गिव जुडिशियरी ओपन पावर देन हु विल प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट, मतलब उसके बाद नीचे है प्रोटेक्ट करने वाले ही अगर वायलेट करेंगे, इसलिए इफ सुप्रीम कोर्ट वांट्स देन क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट लगा सकते। मतलब कहने का ये कि सर जो खुद डिसीजन देने वाला अगर वही खुद बार बार बोले कि ये सिस्टम बेकार है, ये है, फलना ढिंगाना है, तो आदमी को कैसे फिर किस पे भरोसा करेगा। नीचे वो और ज्यादा बेकार होता है, बाई सुओ मोटो, पढ़ाया ना सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान, खुद से सर उन्होंने स्वतः संज्ञान लेके लगा दिया, बस बात खत्म। नीचे आ जाओ, देन सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम AJI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आगे उसमें आएगा डिटेल में। इन 90% केसेस AJI गिव्स कंसेंट, बट 10% दे डोंट लाइक इन केस ऑफ कुणाल कमरा। कुणाल कमरा वही है सर कॉमेडियन, इसने बोला था बहुत सुप्रीम कोर्ट के बारे में, AJI नॉट गिव्स कंसेंट, AJI इज द टॉप लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मैंने पहले ही बोला था कि सर सबसे टॉप एडवाइजर है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, और बेसिकली इसमें दिमाग में रखिएगा कि सर 90% केसेस में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ज्यादातर परमिशन मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये परमिशन ही नहीं देती है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाए। सुन पा रहे हो, मतलब 10% केसेस में नहीं लगाया जाता है, बाकी 90% केसेस में लगाया जाता है, बाद में लगाने के बाद उसको भले ही छोड़ दिया जाए जो कुछ किया जाए, लेकिन लगाया जाता है क्योंकि जरूरी है, बात आगे ना बढ़े इसलिए पहले ही सर शांत कर दो। नीचे आओ, व्हाट इज, नीचे नोट में होगा एज ए एस्पिरेंट यूज योर सोशल मीडिया टू शो योर वर्क नॉट योर सेल्फ योर पॉइंट ऑफ व्यू। ये सर दिमाग में रखना है कि आप IAS एस्पिरेंट हो, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए करो कि आप अपने आइडियाज को दो, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे आप क्या हो, आप IAS बनो, मैं बार बार इंटरव्यू में या कहीं मेंस में लिखो, तो आप ये लिखो ना कि सर आप अकॉर्डिंग टू मी, अरे क्या हो तुम अकॉर्डिंग टू मी, आप सर कोई रेफरेंस तो दो, आप कुछ थोड़ी घंटा हो कुछ, तो अगर आप कुछ नहीं हो तो अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार क्या, कौन हो तुम, PM हो,
अरे कुछ नहीं हो भाई, तो जब तुम कुछ नहीं हो तो मेरे अनुसार क्या चलता है। हाँ मैंने बोला था आपको, जब आपको खुद का आइडिया ठीक लगे तो आप चिपका दो किसी डिपार्टमेंट का नाम, आप बोल दो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सर आप उसके बाद अपना लिख लो, अब ये चलता है, ये आप कर सकते हैं, आइडिया अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने लोग को दाढ़ी है सबको नोच के खा जाना चाहिए। अब सर ये मतलब आइडियाज ठीक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आइडियाज बेकार हो, अब जरा नहीं चाहिए। सर उसके बाद व्हाट इज नॉट ए कॉन्टेम्प्ट, क्वेश्चन पूछा है कि किसको हम कॉन्टेम्प्ट नहीं कहें। फर्स्ट पॉइंट, जुडिशियल प्रोसीडिंग का फेयर प्लस एक्यूरेटली रिपोर्टिंग कर रहे हैं देन नो कॉन्टेम्प्ट। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का आप क्लियरली रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जुडिशियल में ये चल रहा है, कॉन्टेम्प्ट नहीं है। सर आप खुद से समझ सकते हो कि किसको कॉन्टेम्प्ट नहीं कहेंगे, जरा नीचे है। दूसरा पॉइंट, आप जैसे लाइक एडिटोरियल लिखिए बट फेयर एंड एक्यूरेट, आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो राइटर लिख रहा है, अभी राइटर लिख रहा है तो सर उसमें देखोगे आप क्रिटिसाइज भी कर रहा है, अच्छा भी लिख रहा है बुरा भी लिख रहा है। लेकिन सर आप सडनली खाली यही बोल दे और गाली खाली लिख दे कि सुप्रीम कोर्ट डैश है, सुप्रीम कोर्ट डैश है, सुप्रीम कोर्ट डैश, आप समझ रहे हैं सर ये बेकार है, सुनने में क्या, बोलने में बेकार लग रहा है, सुनने में तो और गंदा लगेगा। नीचे आइए, आफ्टर ए केस हैज बिन डिस्पोज्ड और क्लोज देन यू कैन राइट अबाउट इट और रिपोर्ट इट। जब तक केस मान लो क्या हुआ, ये रिपोर्टर लोग क्या करता है, देखो पहले बोल देगा क्या, कंगना रनौत को जेल, अरे भाई रुक जाओ, बोला संजय दत्त को जेल, और लास्ट में लगा देगा क्वेश्चन मार्क, समझ में आ रहा है। अब सर होगा कि नहीं होगा, ये आप केस अभी चल ही रहा है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट बोला ये तो फैसला सुना दिया, भाई अभी हम लोग अभी परेशान है, रिपोर्टर लोग पहले ही से ज्ञानी बन जाता है और पहले ही से फैसला सुना देगा, आज आएगा 12वीं का रिजल्ट, सीबीएसई बोला कल आएगा। अब सर ये ये बोल दिया, ये लोग अपना अपना कर रहे हैं। अब सर ये अजीब बात है, आप खुद ही से सोच ले तो भाई, अब मान लो अगर जब आए, आ गया रिजल्ट तब आप पब्लिश कर दो ना, आ गया रिजल्ट, आ गया आपने चेक कर लिया, आपने बेटा बेटी पोता पोती नाता नाती का चेक कर लिया, आ गया, अब आपने सर पब्लिश कर दो मस्त कि हाँ रिजल्ट आ गया। लेकिन नहीं सर, आज आएगा सीबीएसई बिहार बोर्ड का रिजल्ट है सर क्वेश्चन मार्क, अब सर नहीं आया तो बोले हम बोले थे ना क्वेश्चन मार्क लगाए थे, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, ये जो है गलत तरीका है सर। आप देखेंगे तो ये रिपोर्टर का थोड़ा सा उत्सुकता है, ये बेकार है, और रिपोर्टर में ये भी बात है, ऐसे ऐसे बोल देगा क्या सर शादी हो रही है कंगना रनौत की फलना ठिंग से। अबे ठिंग से हो गया, अब सर आपने लगा दिया, अच्छा कंगना रनौत से पूछा कर कौन ठिंग रे। इनको कुछ पता ही नहीं है, रिपोर्टर सब जानते हैं, मतलब सब जानते हैं, लेकिन सर रिपोर्टर का एक तरीका बताता हूँ, वो आग जानबूझ के लगाते हैं ताकि सर ठिंग नहीं तो कोई सिंगी हो, इसलिए भी तो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना। बोले हम सुने कि आप जहीर खान से शादी कर रहे हैं, बोले क्या। अब आपको सुनली बुरा लगा तब आप बोले कि अरे हम जहीर खान से कहा, हम तो सर अतहर आमिर से शादी करने वाले। अब आपने क्या है सर, कुछ लोग बता देते हो। अब जरा नीचे आइए, आफ्टर ए केस हैज बीन डिस्पोज, तो सर आप केस जब डिस्पोज हो जाए तब कोई फैसला सुनाइए, बीच में नहीं बोले क्योंकि सर उसका बेकार होता है। नीचे, इफ यू आर सेइंग एनीथिंग विच इज एब्सोल्यूट ट्रूथ देन नो, सर अगर आप जो बोल रहे हैं और एकदम सही है, आपके पास एविडेंस है तो बोलिए, आप पूरा पावर है, उसको कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया जाएगा। अगर आपने एविडेंस देखा है आप एविडेंस के साथ आइए, जैसे सर तेलंगाना और उसके चीफ मिनिस्टर और आंध्र प्रदेश और इन सब के क्या कि ये सर मोदी जी का भाषण जो बोले हैं, एक रुपये बिजली तो रिकॉर्डिंग रखा हुआ था टैबलेट में, माइकी पे सुना दिया सबको, सुनिए बोले थे एक रुपये हो जाएगा, कहाँ एक रुपये हो गया है भाई। अब सर ये जो तरीका है बढ़िया है, लपेटे में ऐसे लो आप उसको जो बोले उसका रिकॉर्डिंग रखो, प्रूफ रखो और बोलो कि बोले थे कि सर आज से 6 महीने बाद ये हो जाएगा, कहाँ कुछ हुआ, बोलो तो आपके पास रिकॉर्डिंग है तो उसके साथ एविडेंस के साथ आओगे तो लोग भी सुनेगा, हाँ बोले तो थे। आप कितना हवा में बोले को 15 लाख आएगा, मैं बोलता हूँ ना अपना खाता चेक करते रहना कब आए, कोई आइडिया नहीं है, देखते रहना, समझ में आ मेरी बात। तो आ जाए तो फिर उसके बाद बताना मेरे को भी। अब नीचे आओ, फॉर और अगेंस्ट, ये सुन लो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको क्या लगता है नेसेसरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसका फायदा नुकसान देख लो, क्योंकि दोनों पहलू आपको देख लेना। किसके उसके में 15 लाख आए, चलो लेकिन आएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ 2024 के इलेक्शन तक 15 नहीं लेकिन 1 लाख जरूर है, ठीक है। आप लोग डेली दो दो बार चेक करते रहिएगा। अरे सच्ची बोल रहे हैं, देखो इधर को भरोसा कर लिया, और जिसका और जिसका जनधन अकाउंट नहीं है जाके बैंक में अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है, पीएम मोदी के डायरेक्ट अकाउंट से कनेक्ट करवाइए मेरा, क्योंकि सर आएगा पैसा। क्या 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 बोल रहे, अरे भाई तुम लोग मतलब मजे तुम्हारे ले रहे हैं।
अरे नहीं नहीं मेरे अकाउंट में पहले आ चुका है। और एक देखो देखो 15 लाख बोला गया था 2024 तक सबको मिलेगा भाई, आप मजाक नहीं समझो, क्या विजय माल्या का केस फाइनल हो गया है और विजय माल्या को उतना उसका जब्ती उब्ती सब शुरू है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही में मिलने का चांस है। हंस रहा है सब। अच्छा जनधन खाता कितने के पास है? जनधन खाता कितने के पास है? अरे ये सब झूठ बोल रहा है, होगा जरूर। सब खुलवा के रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं भाई, देखो जो नहीं खुलवाया है खुलवा लेना, बाकी इधर आ जाओ। अब सर आप फॉर और अगेंस्ट में देखो, इधर मीत अब देख लो प्लीज, 2 मिनट और देख लो, खत्म हो जाएगा। देखो सीधी सी एक बात है कि सर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं रहेगा कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, उसका इज्जत जरूरी है यार। तो जरा लेफ्ट साइड में देखो जहाँ पे फॉर है, फॉर मतलब क्या? एडवांटेज, सपोर्ट में। पहला है रिस्पेक्ट फॉर जुडिशियरी नेसेसरी, यार कम से कम जुडिशियरी के लिए आपका इज्जत तो होना ही चाहिए बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। दूसरा पॉइंट, ऑल्सो पीपल विल बिलीव इन इट, सर लोग जब इस पे भरोसा करते हैं तो सर इस पे कोई कीचड़ ऐसे आसानी से कैसे उछाल लेगा। थर्ड पॉइंट नीचे, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे मोर इम्पैक्ट देन बिकॉज मर्डर एंड ऑल केसेस गोज इन सुप्रीम कोर्ट। सर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो छोटे कोर्ट है उन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जब लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इज्जत नहीं करेंगे तो छोटे कोर्ट की इज्जत क्यों करेंगे। जरा नीचे ये फोर्थ पॉइंट, इफ कंटेम्प्ट इज नॉट देन एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब होता है क्या? बेकार, मतलब आप इंग्लिश में उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एम्बिग्यूटी बढ़ जाएगा एंड केस टू केस जांच करना पड़ेगा एंड पेमेंट कैन ऑल्सो डू एनीथिंग। मतलब सर अगर आप बार बार ऐसा करेंगे, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे या सारा कुछ, तो मतलब 2-3 चीज़ें होगी, हर कोई कीचड़ उछाल देगा तो प्रोसेस में भी बेकार आएगा क्योंकि प्रेशर आप पे आएगा कि सर हर कुछ भी डिसीजन लाते हैं लोग उसमें हमारे पास नज़र उठा देते हैं या हमारे पे सवाल उठा देते हैं, तो सर ये भी होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। फिफ्थ, सेफगार्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड कि इफ यू आर रिपोर्टिंग ऑनेस्टी देन नो वन कैन डू एनीथिंग। बात ही भी है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कहा गया है कि अगर सच है तो आप बोलिए, कहाँ कुछ आपको कोई कर रहा है, सच रिपोर्टिंग आप कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। राइट साइड में आइए, अगेंस्ट आर्टिकल 19 वायलेशन टू सम एक्सटेंट। सर अगर आपको बोले नहीं दिया जा रहा है तो कम से कम आपका आर्टिकल 19 तो वायलेट हो रहा है, क्योंकि आपका राइट टू जो एक्सप्रेशन और स्पीच है वो तो वायलेट हो रहा है। दूसरा पॉइंट, सुओ मोटो, इसकी वजह से क्योंकि खुद ही करती है तो कैन बी एक्सप्रेसिव ऑल्सो। सर सुओ मोटो अगर बोल रहे हैं स्वतः संज्ञान, तो हम किसी भी चीज़ को हो सकता है ज़्यादा स्वतः संज्ञान लगा दिए, मतलब कुछ ना कुछ करके बोले स्वतः संज्ञान ले लिए, क्योंकि हमारे पे डिपेंड करता है, उसका कोई ज़्यादा लॉजिकली बताया नहीं गया कि स्वतः संज्ञान किस केस में लेंगे। स्वतः संज्ञान किसी भी केस में लिया जा सकता है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, नो वन बिलीव्स की ट्रूथ है या गुड फेथ में बोला था। सर कोई ये भरोसा ही नहीं करता है कि वो सच है कि मतलब गुड फेथ में बोला था कि क्या किया था, ये भी एक प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट, यूके ने इसको 2013 में ही हटा दिया था, यूएस ने 2000 में हटा दिया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। यूके ने सर यूनाइटेड किंगडम 2013 में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है हटा दिया था, और यूएस ने कब हटा दिया था? तो 2000 में, तो यूएस ने 2000 में हटा दिया था। अब सर वहाँ पे कॉन्क्लूजन देख लो, लाइक ऑल प्रोविजंस ऑफ लॉ कॉन्टेम्प्ट इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। सर कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं होता है, जैसे कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, उसी तरीके से सर कोई भी कानून भी परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। लाइक ऑल दिस इट्स यूज मस्ट बी रेयर ओनली व्हेन द डिग्निटी और द सैंक्सिटी ऑफ द लीगल सिस्टम इज अंडर थ्रेट, आफ्टर ऑल डिसेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। सर क्या बोला, मतभेद ही तो सर डेमोक्रेसी का मेन जड़ है, कि सर डेमोक्रेसी में क्या है, सर मेन डेमोक्रेसी का जड़ ये कि आप भी बोलो हम भी बोले, दोनों के आइडियाज में फर्क है, दोनों पर डिस्कशन हो, तभी तो बेस्ट डिस्कशन मिल पाएगा। तो बोला गया जिस तरीके से कोई लॉ परफेक्ट नहीं है, उस तरह से कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये रेयरली यूज होना चाहिए, क्योंकि सर इसलिए यूज होना चाहिए ताकि पवित्रता जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मेन है थीम, उसका सर वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो कभी कभार यूज हो। अब सर हर बात में पवित्रता नष्ट हो जाती है, कौन सा पवित्रता है, सुन पा रहे, मतलब हर बात में किसी को बुरा लग जाए तो कौन सी बात है, सर हर बात में बुरा थोड़ी लगना चाहिए। पेज नंबर 234, कुछ भी बोल दिया, खाना नहीं खाया, बुरा लग गया, समझ में आ रहा, आप कुछ भी बोल देते, ये आदमी है कि सर पता नहीं क्या है, पजामा है, जो समझो उसको। 234 पे आइए सर, PIL कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों रहता है न्यूज में, सारा स्ट्रक्चर आपके पास है, काम कर लीजिएगा। नीचे आइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL पहले भी बोला था कि PIL जो है आप लेते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के बिहाफ पे, आपका अपना इंटरेस्ट हो नहीं हो, पब्लिक के इंटरेस्ट के बिहाफ पे आप लेते हैं, ठीक है। नीचे आओ, केस टेकन अप फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लोकस स्टैंडाई, बताया था लोकस स्टैंडाई मतलब इस केस से आपका क्या संबंध है, बोला था वहां पे जब आप रीट पढ़ा रहा था तब, जो बोला था ना कि 24 जी पहुंच गए पहले ही, सुप्रीम कोर्ट बोला केस किसी और का था, 24 जी आ गए, नहीं हमारा दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट भाग जाए यहाँ से, नहीं दोस्त का बता देंगे। तो लोकस स्टैंडाई मतलब इस केस से आपका क्या संबंध है। नीचे आइए,
तो सर पहली बात, लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल इज डायलूटेड इन पीआईएल, इट मींस इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इंटरेस्टिंग पार्टी ही पीआईएल कर, मतलब हाँ ये जरूरी नहीं है कि सर पीआईएल वही आदमी करेगा जो प्रभावित है। मैंने बोला आप किसी के भी बिहाफ पे पीआईएल कर सकते हैं, आपने गरीबों का बोला उनका शोषण हो रहा है, गरीबों को नहीं हक मिल रहा है तो आपने उनके बिहाफ पे पीआईएल डाल गए। और पीआईएल आप पोस्ट लेटर कार्ड से भी भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेटर कार्ड लिखिए, लव लेटर लिखिए और फिर सुप्रीम कोर्ट को भेज दीजिए कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, इनको हक नहीं मिला है, तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा आपको देखते हुए कि क्या मैटर कितना सीरियस है। इन्हें भेज दीजिएगा सर हमारा ब्रेकअप हो गया, हम फांसी लगाने वाले हैं, नस काट लिए, आप आइए नस जोड़ दीजिए। तो मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, अनिवार्य। हाँ अब सर नीचे आइए, इट सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो टेक, मैंने वहां देखो क्या लिखा है, पीआईएल बाय सुओ मोटो, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पीआईएल सुओ मोटो से भी ले सकता है। जैसे उसको खुद ही लगा कि उन लोगों का क्या हुआ जिनको हटाया गया था और वहां पे बांध बनाया गया और बांध बनाने के बाद आज तक उन लोगों को हक नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही से स्वतः संज्ञान लिया कि उन लोगों को जो देना था उसका हुआ क्या, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान कुछ भी ले सकती है। नीचे आइए, तो सर पीआईएल इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल एक एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। क्यों एक्टिविज्म क्या है, जैसे आप बोलते हैं ना सोशल एक्टिविस्ट, मतलब वो आदमी जो समाज के सेवा में काफी एक्टिव रहता हो, तो वही आदमी जो जुडिशियल सेवा में काफी एक्टिव रहता हो, मतलब कहने का क्या सर पीआईएल दायर जैसे किया सुओ मोटो से, तो क्या बोला गया आप कहीं ना कहीं सर समाज के लिए सोच तो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट कि बेटा दो चीज है, अगर उन लोगों का कुछ नहीं हुआ तो सर आपकी जिम्मेदारी है कोर्ट की, कोर्ट ने बोला कि सरकार ने बोला था ये करेंगे, अभी तक क्या हुआ। जरा नीचे आइए, अब सर उसके बाद है इनमें इन न्यूज पीआईएल, ऊपर आइए, पीआईएल डिफाइंड इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वहां पे पीआईएल डिफाइन किया गया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, हाईलाइट करके रख लेना इसको। व्हेन आईओजे एडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर, जब आईओजे बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया, आईओजे क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जस्टिस भगवती इज कॉल्ड एज द फाउंडिंग जज फॉर पीआईएल, इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करके रख लीजिएगा, जस्टिस भगवती जो है वो पीआईएल का सर एक तरीके से आप कह सकती हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पुश एंड पुल पीआईएल को दिया। नीचे इन न्यूज मेनी पीआईएल फाइल्ड इन पैंडेमिक, सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो ऑन ऑक्सीजन फुलफिलमेंट, जैसे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेके पैंडेमिक के समय बोला था कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाइए क्योंकि दिक्कत है, तो सर ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया। नीचे आइए, प्रोसेस टू गो फॉर पीआईएल, कैसे कैसे आप पीआईएल दायर कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 वो तो आपके पास है ही सर, आर्टिकल 133 सीआरपीसी, और सर बट इट इज वेरी टेक्निकल, नो नीड इन एग्जाम, ये जरूरी नहीं है। नीचे आइए, दूसरा पॉइंट है कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड, सर आपने जो भी पीआईएल दायर किया है उससे कोर्ट को जरूर लगना चाहिए कि ये मुद्दा सही है, जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई भी मुद्दा पीआईएल दायर हो सकता है, ये ऐसा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, यू कैन पीआईएल बाय लेटर टेलीग्राम पोस्ट एटसेट्रा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है अभी बताऊंगा मैं कैसे। नीचे आइए, पीआईएल इज ऑलवेज अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट अथॉरिटी, पहले ही बोला आपको कि पीआईएल आप सर गवर्नमेंट से लड़ते हैं प्राइवेट अथॉरिटी से नहीं, बाद में चल के वो प्राइवेट अथॉरिटी से हो जाता है, कैसे, जैसे गवर्नमेंट ने बोला था आपको, लेट से आपका एक कंपनी का नाम है राम खिलौन कंपनी, अब आपका कंपनी मान लीजिए अब आपका राम खिलौन कंपनी है, आपको बोला था कि सर यहाँ पे डैम बनाना है और लोगों को हटाना है, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था ना, तो हम लड़ तो गवर्नमेंट से ही रहे हैं, लेकिन सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइवेट तो इन्वॉल्व हो गया, बट मैंने बोला था कि फंडामेंटल है, जब आपका ब्रेक होगा तो आप किससे लड़ोगे, गवर्नमेंट से लड़ोगे, आप कंडक्टर से बाद में लड़ोगे, पहले तो फंडामेंटल राइट सर आप गवर्नमेंट से लड़ोगे, सर हमारा हमको बोल दिया काले हैं तो क्या हुआ दिलवा लें, अब ये जो बोल दिया ये गड़बड़ बात बोल दिया, नहीं चाहिए। अब सर नीचे देख लो, PIL is always against public, article 12. उसके बाद example, PIL can be filed for क्या क्या इधर इधर PIL क्या क्या फाइल हो सकता है, vulnerable society, मतलब vulnerable लोगों के लिए, वैसे लोग जो कम है minorities में है बहुत कमजोर हैं। दूसरा women empowerment के लिए आप यूज कर सकते हैं, women reservation के लिए कि सर महिलाओं को हक क्यों नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट environment pollution के लिए, लेबर wages के लिए कि सर मजदूर काम करते हैं सर उनको आप दिलाइए, एक दिन में आप मतलब 50 रुपये लोग दे रहे हैं, दो आप उनको 200 करिए 250 करिए, सर ये सब मुद्दे पे आप सोशल मुद्दे पे आप पीएल दायर कर सकते हैं। सर ये गलत है कि एक औरत जो काम कर रही है डेली मजदूर दिहाड़ी का, उनसे ज़्यादा जो उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं फिर भी उसको कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है तो गलत हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस काम कर रही है और बीच में जो है खैनूनी बना ले रहा है, लोटा लेके चले जा रहा है भाई मजदूर लोग, और लेडी लोग सर कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं फिर भी सर उसको 300 मिल रहा है, इनको 150 मिल रहा है, तो ये गलत है, तो आप इसके लिए सर पीएल दायर कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वेलकम करेगा सुप्रीम कोर्ट। नीचे आइए, अब सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज,
क्या फायदा है पीएल का, क्या नहीं है, नीचे आइए। पहला फायदा, एवरीवन हैज एब्सोल्यूट और हाई लीगल एक्सेस। पहली बात, हर किसी को सर हाई लीगल एक्सेस मिल जाएगा कि सर कम से कम हम अपना बात रख तो सकते हैं एटलीस्ट। दूसरा पॉइंट, वल्नरेबल और इकोनॉमिकल कैन गेट रिप्रेजेंटेशन थ्रू पीएल। जो तमगे, छोटे तमगे और गरीब लोग हैं, कम से कम उनको तो अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मौका मिल जाएगा, चाहे उनके बिहाफ पे कोई भी करे। तीसरा पॉइंट, थ्रू पीआईएल सम टाइम जुडिशियल रिव्यू टेक्स प्लेस अगेंस्ट गवर्नमेंट स्कीम एंड ऑल। पीआईएल के तहत कभी कभी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो आते हैं, जैसे मान लो बोला गया जनधन योजना, मान लो बोल दिया गया सर सरेंडर योजना, मतलब अलग अलग योजना है। अब सर बहुत सारी योजना है, उस योजना में मान लो गड़बड़ है कुछ, उस योजना का लाभ सबको नहीं मिल रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी आप पीएल दायर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मॉनिटरिंग एलई। आप एलई, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, सर आप पूछ सकते हैं, आप उनके बारे में भी बता, मतलब आप चाहें तो उनको बारे में जो है बोल सकते हैं कि सर गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है सर, 4 साल बीत गया कुछ नहीं हुआ, 15 लाख अभी तक नहीं आया है। नीचे आइए, अवेयरनेस क्रिएटेड एंड दैट्स वाई जस्टिस इज डेमोक्रेटाइज्ड। सर पहली बात, लोगों में अवेयरनेस भी तो जाएगा। अच्छा, गरीब लोग को पता ही नहीं है कि अगर हमको कुछ होगा तो हमको जाना कहाँ है, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि हमको जाना कहाँ है सर। उनको अगर कम से कम एक पीआईएल का नखरा जब आएगा तो किसी ना किसी माध्यम से आप तक तो पहुंच ही जाएगा। कमाल के बाद देखो, फोन पे गूगल पे नहीं था, आज पूरे गांव गांव में पहुंच गया है सर, हर जगह, हर टोले, हर बस्ती, हर सब्जी मंडी से लेकर हर किसी के पास है सर, आराम से रखा है, स्कैन करा, निकला अपना। अब सर ये जो काम हुआ कैसे हुआ, सर अगर गवर्नमेंट अवेयरनेस नहीं फैलाती और खासकर गूगल पे ऑफर नहीं देता आपको कि फॉरवर्ड करिए पैसा मिलेगा, तब तक आप में से कोई बताने वाला भी नहीं था यहाँ। समझ में आया मेरी बात, स्कीम दिया गया कि सर आप जितना रेफर करिएगा 151 मिलेगा, 201 मिलेगा, रेफर पे रेफर खूब चल रहा है, समझ, कोई 6,000 कमा लिया, कोई 5,000 कमा लिया, 51 करते करते, समझ रहे सर, बहुत लोग कमा लिए। अच्छा, अगर ये नहीं रहता ना, बाई गॉड बता दे रहा हूँ, फोन पे अभी कहाँ रहता उसका आइडिया भी नहीं है। तो इंडिया में लोग को सर खाली ऑफर दो, बोलता है ना फ्री के चंदन घसा रघुनंदन, तो ये जो है फ्री का चंदन तो जो है लगा लेते लोग, फ्री का मिर्च मिले तो लोग मुंह में रगड़ लेंगे। आइए, डिसएडवांटेज, नुकसान देख लो, नुकसान, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग राइट्स। अरे ये सब एक ही बार कैसे एकदम बवाल मचा देते, ही एकदम करते। नीचे आओ सर, गजब का मतलब ऐसा लगता है सर गिटार बजा दिया। आप लोगों को सुनाया तो मैं, याद है आप लोगों को भजन वाला, तो भजन वाला में नहीं होता राधे कृष्ण हरे राम, उसी तरह से भी आवाज आया एकदम बीच में, हरे राम हरे कृष्ण करते करते बीच में कचमई पूरी कचमई। सर वो भूख लग गया उसको, तस्मई पूरी शुरू कर दिया, अब हरे राम हरे कृष्ण जगह पे तस्मई पूरी करना शुरू कर दिया, बाद उनको खिलाया गया। नीचे आइए, डिसएडवांटेज में देखो, प्रॉब्लम ऑफ कंपीटिंग, दिखाओ राइट साइड, प्रॉब्लम ऑफ कंपीटिंग राइट्स लाइक इंडस्ट्री से पॉल्यूशन बट इम्प्लॉयमेंट भी उसी से। सर देखो, डिसएडवांटेज ये है कि सर आपने पीएल दायर तो कर दिया कि सर यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दिया है, पॉल्यूशन होगा, लेकिन सर नौकरी भी तो उसी से मिलेगा, अरे है ना, तो लोगों को नुकसान भी तो हो जाएगा। अरे सुना नहीं सुन रहे हो, अच्छा जोर से बोलो, ये सुनो, तेजी में ये सुनो, फिर से बोलो, ये सुनो, सर सब बोलो, जगो सुतो नहीं, सर सुनो ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है। आप सर एक पॉइंट में क्या बोल रहे हो कि सर लोगों का आपने कर दिया सत्यानाश, लेकिन इंडस्ट्री आएगा तो आप बोले पॉल्यूशन होगा, बट सर अगर लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो सर वैसे ही मर जाएंगे, पॉल्यूशन से पहले तो मर जाएंगे। अगर सर आप इंडस्ट्री लगाते हो तो पॉल्यूशन के लिए कुछ स्कीम लगाओ। तो पीआईएल का डिसएडवांटेज इस बात के लिए भी है कि आप पॉल्यूशन के लिए बोल तो दिए, लेकिन सर लोग को आप मार के खा गए। नीचे है दूसरा पॉइंट, उसके बाद है फ्रिवोलस केसेस आल्सो कम जिसमें टाइम लॉग ऑफ कोर्ट। पहली बात सर, बहुत ऐसे ऐसे बेहुदा केसेस पहुंच जाते हैं बिना मतलब का पीआईएल दायर कर दिया, इसमें टाइम लॉस होता है सर, तो आप बिना मतलब का केस ना दायर करें, ये भी एक नुकसान है। नीचे जुडिशियल समटाइम्स ओवररीच, जुडिशियल समटाइम्स बह जाते हैं, मैंने बोला बायसनेस तो हो ही जाता है। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल डिले ऑल्सो इन सम बिग इशूज। तो कम से कम डिसीजन आने में तो सर आपको ही पता है सर, हम लोग जानते हैं कि सर न्याय आने में बहुत देर लग जाता है। अब जरा राइट साइड में आइए, लैंडमार्क पीआईएल केस, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा डेटा मेंस में सर आपको नहीं पता है, यकीन माना गजब का इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत भयानक इंपॉर्टेंस है, इसलिए समझ लो। फर्स्ट केस, हुसैन एरा खातून वर्सेज बिहार, ये पहला केस जिसमें पीआईएल दायर किया गया था, इट इज कॉल्ड फर्स्ट पीआईएल केस ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीआईएल केस ऑफ इंडिया, हाईलाइट करके रख लेना। बेल रिजेक्ट हो चुका है, केस खत्म नहीं हुआ है, बट उनको जेल में रखा हुआ है।
अब हुसैना खातून को सर बेल भी रिजेक्ट हो चुका है, केस खत्म हो चुका है, फिर भी वो जेल में है। गजब की बात है सर, केस खत्म, आदमी जेल में है। अब सर ये जो है प्रोसेस हो सकता है, अब इस वजह से उस पर PIL दायर किया गया कि क्या चल रहा है मजाक, तब उसके बाद सर उनको छोड़ा गया। नीचे आइए, दूसरा पॉइंट, दैट इज अंडर ट्रायल बेस पे ये PIL हुआ था। उसके बाद नीचे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए केस किया था इन्होंने, बस रिलेटेड नाम जान लेना। नीचे थर्ड पॉइंट, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ड्यू टू दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की अगेंस्ट वीमेन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, एंड 16 साल तक ये गाइडलाइन जारी रही, एंड 16 साल बाद गवर्नमेंट मेड प्रिवेंशन ऑफ वीमेन सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस इन 2013। मतलब सर विशाखा के साथ और ये जो स्टेट ऑफ राजस्थान इनके साथ सर वर्क प्लेस मिसबिहेव हुआ, जिनके बाद ये सर हर जगह, पहले कुछ लिमिटेड जगह पे था कि वीमेन को गवर्नमेंट ऑफिस में यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो आप केस दायर कर सकते हैं, बाद में बोला गया वीमेन जहाँ चाहे जहाँ भी काम कर रही हो और वहाँ पे उसके साथ हरासमेंट हो रहा है तो सर वहाँ पे PIL दायर होगा, और वो हुआ भी था। तो विशाखा वर्सेज उसके केस के बिहाफ पे आया था स्टेट ऑफ राजस्थान। नीचे परमानेंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेडिकल 2009 की, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो पहले आप इलाज कीजिए, फॉर्म और पुलिस केस बाद में करिएगा। पहले नियम क्या था, डॉक्टर ने इलाज करता था सर, इसने भी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, परमानेंट कटारे ने केस किया सर, पहले इलाज होगा कि पहले फॉर्म भरेंगे हम, तो सिंपल बोला गया कि पहले हर डॉक्टर को अब क्या बोला गया, अब इलाज करिए पहले, केस उस बाद में होगा, बाद में देखा जाएगा, पूरा परमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर छूट है, इसलिए पहले क्या था कि जो आदमी बचा के ले जाता था रोड पे कोई, पहले वही तो वही नहीं बचाता था लोग, अब नियम लगे कि आप बचा के ले जाओ, आप सर वहाँ पे करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछेगा भी नहीं आप कौन है नहीं है, आप बस बोलेंगे हम बचा के लाएं, बात खत्म, उसके बाद आपसे कोई केस का पूछताछ उछताछ नहीं होगा। तो ये सर जरूरी भी था यार, इंसान मर रहा है इधर फॉर्म भरवाने पे लगे हुए यार, सर इंसानियत का मतलब समझ रहे हो, गजब का काम है ये। तो ये क्वेश्चन यही पूछेगा ये कहां से आया, तो कौन सा केस है सर, परमानेंट कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो सर हुसैन खातून वर्सेज बिहार ये पहला केस, उसके बाद दूसरा MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एनवायरमेंट से रिलेटेड, थर्ड केस विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान वीमेन के प्रति जो हरासमेंट हुआ उसके लिए, फोर्थ उसके बाद परमानेंट कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मेडिकल की, अगर सर आप इलाज करना चाहते हैं तो पहले इलाज करिए, पुलिस केस वगैरह बाद में होगा। नीचे आइए, कॉन्क्लूजन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको कितनी बार, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली नो मैटर व्हाट इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। The intent behind PIL is to universalize access to justice for voices that can't be heard. Through a limited but right manners, PIL has transformed decision of our country. देखो, भले ही PIL के द्वारा बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन PIL से अवेयरनेस तो फैला है, और कम से कम उन लोगों को तो जरूर न्याय मिला जो ऊपर आप देख पा रहे हैं। इसके तहत ये 4-5 केसेस लैंडमार्क हैं, जो आपको दिमाग में रखना है। आप क्या करोगे जब मेंस में लिखते हैं, क्या करते हैं, यही तो रेफरेंस दे देते हैं। आप जैसे ही बोलोगे सर आपको टॉपिक मिला इलाज के लिए, आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे में लिखा आपने, इलाज पहले जरूरी है, क्वेश्चन क्या सिचुएशन दे देता है, एथिक्स में भी सिचुएशन दे देगा कि यू आर दैट कस्टमर, आप एग्जाम देने जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया बीच में, आप वहां पर उसको उठाए, आप हॉस्पिटल जाएंगे कि आप अपना एग्जाम देने जाएंगे। अब सर आपके पास दोनों ऑप्शन है, अब आप देख लो क्या करना है, तो आप अपने अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे यहाँ पे, यही एथिक्स का क्वेश्चन होता है। अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम भी आपके लिए जरूरी है और मरा हुआ वो भी जरूरी है, आप उसको बचाना जरूरी है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर छोड़ दिएगा क्वेश्चन, अब आप यहाँ से लिखिए। अब आपने बोल दिया सर आप लेके गए, तो लेके गए तो दो चीज़ें दिमाग में रखिए, उसका आप जस्टिफाई करिए, वहाँ पे आप ये नहीं जानना चाहता है IAS कि क्या है नहीं, आप सर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप सर ये भी कर सकते हो कि सर हम लेके जाएंगे और टाइम मैनेज करेंगे ताकि सर हम उसको पहुँचा दें फिर हम जाए, आप ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं नहीं सर मेरे लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, लोग तो मरते रहते हैं क्या दिक्कत है, कुछ भी बोल सकते हैं, और ये आपको इंटरव्यू पैनल पे डिपेंड करता हो कैसे जज करेगा। अगर आपने बोल दिया कि हम IAS के एग्जाम देने जाएंगे तो गलत नहीं किया आपने, भाई मेरे लिए IAS इंपॉर्टेंट था, अगर हम एग्जाम देने नहीं जाते और मेरा एग्जाम नहीं निकलता इंटरव्यू से तो मेरे सारे फैमिली मर जाते क्योंकि कर्ज में मैं था, तो डिपेंड आप पे करता है कि सर एक आदमी को बचाने के चक्कर में मेरे 10 लोग मर जाते फैमिली के मेरे नहीं रिजल्ट आने से, तो आपसे ये नहीं जानना चाहता IAS कि आप कितने साधु पुरुष है, नहीं, आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर आप उसको जस्टिफाई सही से कर पा रहे हैं बस सही बात है, कोई ये सब इन सब क्वेश्चन का कोई एक आंसर नहीं होता है, मैथ नहीं है कि इसका आंसर वो नहीं आएगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको जवाब देगा कि सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हुआ है, बात खत्म है, इंपॉर्टेंट है तो है, अब हम क्या करेंगे सर, आप समझ पा रहे हैं, ये नहीं क्या नहीं मानवीयता दिखा रहा है, मानवीयता क्या, मेरे लिए भी तो माना, मेरे भी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा कर जाएगा सब मर जाएगा सर, तो आप अपने जो भी आंसर देते हैं, मैंने क्या बोला, जो भी आंसर दो अगर आंसर गलत भी हो रहा है तो गलत आंसर पे भी आप अपने आप को पूरा अडिग रहो कि नहीं सर यही मेरा रीजन है,
बात खत्म है, गलत लगे तो लगे, जरा नीचे आइए। अब सर उसके बाद पेंडेंसी ऑफ लीगल सिस्टम, तो पेंडेंसी ऑफ लीगल सिस्टम में देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से फर्स्ट पॉइंट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, कि जस्टिस का देर होना सर कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलना होता है। अगर देर से न्याय मिला तो न्याय नहीं होता है, ये देर सही दुरुस्त सही न्याय में कॉन्टेक्स्ट सही नहीं चलता है सर। अब मैंने बोला था, एक आपको बताया था पेशेंट का नाम अगर याद हो तो, जो हॉस्पिटल में थी जिनके साथ ब्रूटली रेप हुआ था और मरने के बाद सर जो यूथनेजिया में पढ़ाया था मैंने आपको, मरने के बाद अगर कोई फैसला आता है क्या फ़ायदा है भाई, मर गए 10 लोग उसके बाद फैसला आ रहा है, तो सर ये भी दिमाग में रखना है। बट फिर भी अपने अपने प्रोटोकॉल से नीचे आइए। अब सर 3.5 करोड़ आर पेंडिंग केसेज आज तक, 88% आर पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट, 88% केस सुन लो इधर आज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग, और फिर भी फालतू और बेहुदा लोग कोर्ट में केस करने आ जाते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, कोर्ट में फरिया लेंगे, ये सर बेहुदगी का आलम है। 88% केस, 88 मतलब 100% समझ लो आप पेंडिंग ही है सर, और बेहुदा लोग से क्या कोर्ट इसीलिए तो चल रहा है, आ रहा है वकील कमा रहा है, आ रहा है वकील कमा रहा है, वहाँ रजिस्ट्रार है वो कमा रहा है, फिर वो कमाएगा सर आपके भी होदगी है। अब जरा नीचे है सर, आप समझ रहे हो 88% मजाक नहीं है, मतलब देश का 88% केस पेंडिंग है और फिर भी इधर लड़ाई कर कर बोलते हैं कि कोर्ट में फरिया लेंगे, फरिया लेना पैजामा और सर ढीला हो जाएगा पूरा। नीचे आइए, उसके बाद 64% केसेस आर पेंडिंग ग्रेटर देन वन ईयर, 64% केस तो सर एक साल से ज़्यादा पेंडिंग है। अभी बताइए 2019 और 2020 तक का ये डेटा है, और ये डेटा कभी भी याद रखिएगा हर किसी का रेफरेंस अलग अलग है, हिंदुस्तान टाइम्स अलग देगा फिर उस सीरियली अलग देगा, और कभी भी डेटा एक्यूरेट नहीं होगा। आप अप्रोक्स में हमेशा वहाँ पर लिखेंगे, जैसे क्या लिखा मैंने 3.5 करोड़, आप अप्रोक्स लिख दिया 3.5 करोड़, ये डेटा एग्जैक्ट कभी नहीं दिया जाता है। कब जुडिशियल क्यों देगी एग्जैक्ट डेटा, ओआईडी आपको खुद से खंगालना पड़ता है, तो आप अप्रॉक्स दे दो 3-5 करोड़, बात खत्म। आपको एकदम पॉइंट में मैंने बोला रिजिड नहीं होना है। नीचे थर्ड पॉइंट सर, सोचो 64% केसेस पेंडिंग है एक साल से ज़्यादा, 88% केस पेंडिंग है जो शुरुआत ही नहीं हुआ है। अच्छा थर्ड पॉइंट, ड्यू टू दिस सीरियस फैक्ट ए प्रॉपर डेडिकेटेड चैप्टर ऑन पेंडेंसी ऑफ टैक्स रेवेन्यू वेयर एडेड इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20 एंड वी टॉक अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर इसके वजह से इकोनॉमिक सर्वे, कल ही मैंने बताया था आर्थिक सर्वेक्षण बोला था ना जो पिछले साल का होता, उसमें ऐड किया गया कि सर इसके वजह से, इस केस पेंडिंग के वजह से एक अलग टॉपिक डाला गया कि सर जो पेंडेंसी केस है उस पेंडेंसी केस को निपटाने के लिए, और सर उसके बाद अलग अलग तरीके से जो लोग हैं, अब बहुत लोग तो उसका इंतजार भी कर रहे हैं सर, पैसा भी तो जा रहा है बेल का आना जाना सब, तो उनका सर सॉर्ट आउट करने के लिए अलग टॉपिक अलग चैप्टर डाला गया कि बेसिकली इनके बारे में रीड करके इनका सॉर्ट आउट कैसे किया जाए वो बताया जाए। जरा फोर्थ पॉइंट पे आना सर, यूपी में लार्जेस्ट पेंडिंग केस है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस कहाँ पे, कहाँ नीचे, नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स आर मोर इन ट्वाइस देन नंबर ऑफ कन्विक्ट। सर सुन लो, जितने लोग, अच्छा जेल में भी कमी नहीं है, जेल भी भरा हुआ है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब बोलते हैं नरक में भी सर एकदम रगड़ा रगड़ी चल रहा है नरक में भी, अब उसमें सर नरक में भी पूरा वहाँ पे भी लोग सर ठसम ठस भरे हुए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा दिमाग में रखना है। इधर आना, कॉन्विक्ट मतलब वही जो पकड़ा गया, मतलब वही जो आप दोषी, जो दोषी ठहराया गया, हाँ मतलब आपको सर दोषी ठहरा दिया गया, तो क्या बोला गया है सर, जितना ज़्यादा कॉन्विक्ट नहीं है उससे ज़्यादा केस अभी अंडर ट्रायल में है, मतलब जो लोग जेल में हैं जो लोग दोषी हैं वो तो हैं ही, उसका दोगुना ट्रायल में भी चल रहा है। तो बोलते नर्कों में ठेला ठेली जो बात है ये गांव का लैंग्वेज बोलते हैं, नर्क में भी सर चैन नहीं मिल रहा है, नर्क में भी लोग वहाँ पे बोल रहे हैं, वो पापा पूछा बेटा जितना काम है ना बेकार सब कर लो काए, कह के बोला कि सर नर्क में यहाँ जगह नहीं है, हम खुदे दीवार पे लटके हुए हैं तो जितना बुरा काम करना है कर लो, कह के नर्क में जगह है नहीं तो कहाँ मिलेगा तुमको, स्वर्ग मिलेगा हम खुदे दीवार पे लटके हुए हैं तो तुम बस बुरा काम कर लो। नीचे आओ, अब सर रीजन फॉर पेंडेंसी दिख रहा है, अरे है ना, तो बोलो yes, पहला पॉइंट सर पॉजिटिव रीजन, अवेयरनेस इंक्रीज एमंग कॉमन सिटीजन, दैट्स वाई दे गो टू कोर्ट, इट मीन्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा पहली बात, कोर्ट में अगर पहुंच रहा है, अगर आपका आर्थिक स्थिति ठीक जब हुआ है तभी तो कोर्ट में पहुंचा है, ना तो पहले आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था तो कोर्ट में केस नहीं जाता था। पहले सर लोग जब जाते थे एक जगह दूसरे जगह तो टायर से जाते थे, ओ भैया इधर 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 बैल से है ना, बोलते ना टायर बैल, अरे भाई नहीं समझ रहे क्या, समझ गए, तो सब सत्वा उत्वा रख लिया जाता था है ना,
सतुआ तो रख लिया जाता था और सब कुछ लिया जाता, अरे बुल्लो काट इधर देख लो। अब सतुआ रख लिया गया, पानी चना उना जो भी है सर अच्छा खासा रख लिया गया। आपको अगर पता हो तो सर चावल को भिंगो के प्याज के साथ लोग खाते थे, और वो जो सिचुएशन था चावल 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 के साथ सिर्फ नॉर्मल प्याज, और सर जैसे मान लो रात में चावल बच गया उसको सर पानी डाल के बसिया, और बसिया डाल के और उसमें सर प्याज उसमें डाल के खा, और सर ऐसा खाते थे ना आप, देखो आपको लगेगा सर इस दुनिया में इससे ज़्यादा बेहतर कुछ खाने नहीं हो सकता है, समझ रहे सर। और आज आपको नहीं पता है उड़ीसा का फेवरेट डिश है ये, इधर सुन लो बता देता हूँ। उड़ीसा में उसको बोलते हैं नहीं नहीं एक और चीज़ बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, क्या बोलते उसको, पाखी बोलते हैं पाखी। तो पाखी क्या होता है उड़ीसा में, जैसे रात में हमने चावल बनाया उसको सर आपने पानी में रख दिया, और पानी में रख के उसके अंदर फिर प्याज, उसके अंदर फिर प्याज धनिया और टमाटर और बहुत सारी चीज़ काटा उसको रख के, और फिर मिलता है। और सर 360 रुपये हाँ खाए हुए पर प्लेट, 360 रुपये पर, अच्छा लगता है। अलग अलग चटनी होता है, फिर अलग अलग उसमें चीज़ें होती है, बट वो सर उसमें बहुत लगता है टाइम, लेकिन होता वही है बासी भात, समझ रहे हैं, वही बात है राइस जूस। समझ रहे राइस जूस समझ रहे हो ना, बस मार मार उसको बोलते हैं राइस जूस। अच्छा दिल्ली में मिल रहा था 150 रुपये गिलास भाई, यहाँ पे नरकों में वही अलग बात है, मार पे भी मार चल रहा है सर, समझ रहे हैं। नीचे आइए, मैकेनिज्म लाइक PIL सर, पहली बात लोग क्यों कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में क्यों पहुंचे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या हो गई, ठीक हो गई, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, पहुंच गया सर, पहले नहीं पहुंच पाते थे अब पहुंच जा रहे हैं सर, गाड़ी भाड़ा भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रहा है, 5 रुपये 10 रुपये दिया पहुंच गया मोतिहारी कोर्ट, ट्रेन फ्री में चल रहा है, बिना पैसा का टिकट के गया गया सर वहां से, यहां उतर गए, यहां जाके कोर्ट फाइल कर दिए, केस फाइल कर दिए, तो जो चीज़ है सर अब इकोनॉमिक स्टेटस कहीं ना कहीं ठीक हो गया है। अब जो नीचे है दूसरा पॉइंट, मैकेनिज्म लाइक PIL RTI एक्सेट्रा, PIL वगैरह और अवेयरनेस फैला दे लोगों को कि अच्छा, पहले लोगों को पता नहीं था कि कोई मारा है तो कहाँ जाना है, अब लोग को पता है मरले वाला कोर्ट में जाए चाहे पुलिस के पास जाए, अब पता है, अब सर मुंह उठा के चुपचाप आ जाता है, वो पैदल ही पहुंच जाएगा सर गांव से, पैदल पहुंच जाएगा वो, आके केस भी कर दिया, पुलिस आपके घर पहुंच गई, और सर ऐसा सिचुएशन गांव में अब आया था, लोगों को अब पता है इसलिए सर हो जाता है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, सर केस पेंडेंसी होने का कारण तो ये भी है ना कि जुडिशियल ऑफिसर्स के लैकिंग है। आप सोच के देखिए कि अगर पहले लोग नहीं पहुंच पाते थे तो केस कम था, अब सब पहुंच जा रहे हैं मुंह उठा के, केस बढ़ गया ज़्यादा, अब केस ज़्यादा बढ़ गया, जज उतना ही है, अरे सुन रहे हो, तो पॉपुलेशन बढ़ गया जमीन में उतने हैं, तो मारपीट भाई भाई में धोबे करेगा, अरे समझ में, एक ही कट्ठा में 4 बार मारपीट होगा, जरा नीचे इनसफिशियंट नंबर ऑफ कोर्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, सर कोर्ट का भी इनसफिशियंसी है, कोर्ट काफ़ी इनसफिशियंट है पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इतना पॉपुलेशन और कोर्ट इतना कम, सर आप कोर्ट में सुबह में जाइएगा ना आप, लोग जाता हूँ मैं कोर्ट में, देखिएगा अगर आप जाइएगा तो पता चलेगा आपको सर क्या भीड़ रहता है, कोर्ट का भी एक अलग माहौल है सर, वकील का भी अलग माहौल है, एक एक कुर्सी एक एक बेंच के लिए, समझ रहे हैं सर मारपीट, एक ही कुर्सी पर सर एक कुर्सी एक टेबल, अच्छा उसी एक कुर्सी और टेबल के लिए उसने कितना पता नहीं सर, मतलब पापड़ बेलों में उसका आइडिया नहीं है, और उसी फाइल पे एक ही कुर्सी टेबल पे काम हो रहा है, रोड के बाहर हो रहा है, ब्लॉक के बाहर बैठे हुए हैं लोग, ब्लॉक के बाहर आपका काम चल रहा है, तो सर थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि अगर आप, हाँ एक लाइन इधर आ जाओ, 5वें नंबर पर है टाइम लाइन लॉन्ग ड्यू टू, सबसे पहला सर टाइमलाइन ज़्यादातर देखो लॉन्ग होने का बहुत सारे कारण है, लॉन्ग ड्यू टू मैंने क्या लिखा है, अवेयरनेस लोगों का इंक्रीज हो चुका है और प्लस इतने सारे केसेस हैं तो टाइम सर कम में नहीं हो पाएगा यार, पहले 10 केस था तब नहीं हो पाता था, अब 1000 केस हो गया तो कहाँ से हो जाएगा यार। नीचे आओ, ओल्ड और अर्काइव वैग्यू लॉज लाइक IPC 1860 का ही है, गवर्नमेंट लिटिगेट इंक्रीज के कारण भी पेंडेंसी है, देखो गवर्नमेंट जो आप पेटिशनर्स हैं या गवर्नमेंट लोग हैं, आप देखिए अगर अभी थोड़े दिन पहले सुने होंगे आप, तो आया था क्या क्या बोला तो उन्होंने कि अगर स्कूल सुबह 6-7 बजे से चल सकता है तो कोर्ट सुबह 9 बजे से क्यों नहीं चल सकता, जैसे कोर्ट का टाइम होता है जनरली 11 बजे से, अब 11 बजे से अगर कोर्ट का टाइम है तो क्या बोले उसको घटा के आप 9 बजे 8 बजे लाइए, जब स्कूल के बच्चे जा सकते हैं 6 बजे 7 बजे तो कोर्ट सुबह में क्यों नहीं चल सकता, अच्छा पॉइंट बोला, और ये जो बोले हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है बनने वाले, मैक्सिमम चांस है, तो सर इन्होंने बोला पॉइंट भी सही था, कम से कम 2 घंटा पहले आइएगा तो जो नंबर ऑफ केसेस है सॉल्व करने का ठीक तो हो जाएगा, अरे कम से कम अगर 4 केस था 2 घंटे के कारण कम से कम अगर आपने 1 केस भी मान लो सॉल्व किया तो 5 हुआ ना भाई, कम से कम एक आदमी जो आ रहा है जा रहा है उसका तो स्थिति खत्म हुआ, कम से कम उसको तो न्याय मिल गया ना। आना पेज नंबर नेक्स्ट पे 236 आ गए, पहला इशूज क्या क्या इशू है सर, जस्टिस डिनाई फॉर कॉमन एंड पुअर पीपल ड्यू टू डिले, सर पुअर पीपल पे इतना ना लेट आ जाता है कि सर उसका जस्टिस न्याय मिल नहीं पाता, इतना लेट से डिसीजन आएगा पुअर पीपल क्या करेगा,
सेकंड पॉइंट, ऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर ओनली ऑन पेपर, ज्यादातर सुधार सर पेपर पे ही है, लोगों तक पहुंचता नहीं है। मतलब कि गरीब को ये मिला, क्या बोलते हैं, 4.5 अरब इतना मिल गया, ये करोड़, ये लाख, अच्छा ये कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा है, सब सब पेपर पे डिटेल देख दिया। ये देखिए पेपर पे, वो आएगा वो अपना बोलेगा, ये देखिए तो आए ना, अरे बिल्कुल आएगा, इंतजार करते रहना। अब सर देखो अब मान लो इतना सारा पेपर पे कागजी पे आपने लिख दिया, ये हो गया वो हो गया, और आया कि नहीं आया सर अलग बात है। अब दो बात का ध्यान रखना, ज़्यादातर केसेस में लोगों के पास अब पहुंचना शुरू हुआ, काहे एजेंट को हटा दिया आपने। सरकारी स्कूल के टीचर गेहूँ चावल का पैसा मार लेते थे, पैसा उनके पास मिलता था वो खत्म कर देते थे, अब मीडिएटर खत्म हुआ, अब डीबीटी आ गया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर सीधा एकदम अकाउंट में गया, कोई झंझटे नहीं है सर, आए समझ में। तो सर अब सिस्टम शुरू हुआ, अच्छा पहले राशन के लिए इतना दिक्कत होता था, अब सर आपको कोई झंझट नहीं है सर, आप कहीं पर भी जाके लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, अब आप देखो लोग सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, हर सरकार के खिलाफ बोला जाता है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जिस सरकार के खिलाफ भले जो अभी गवर्नमेंट है, अभी आएगा, अभी 2-3 साल चलेगा ये, अभी इतना जल्दी हारा नहीं माना, कारण ये भले कुछ भी कर रहा है लेकिन सर ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। आप देखोगे ना सर ग्राउंड लेवल पे थोड़ा नहीं बढ़िया काम कर रहा है, और उज्ज्वला योजना, महिलाओं का प्रॉब्लम, और आपको पता ही नहीं कब कब खत्म होते जा रहा है प्रॉब्लम, कैसे कैसे खत्म हो गया कुछ पता नहीं चल रहा है, ऊपर ऊपर से सब बोल रहे हैं ये है, लास्ट में जाते जाते सर इतना वोट दे दे रहा है उसको कि सर समझ ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली क्यों ग्राउंड लेवल पे काम चला, आप देखो सर रोड का काम कब इतनी तेजी से भयानक हो गया कुछ आइडिया नहीं लगा। सिमिलरली उज्ज्वला योजना सर, वो गैस चूल्हा और सबका कॉन्सेप्ट कितना जल्दी पॉपुलर हो गया कुछ पता नहीं चला, किसी को नहीं पता चला काम हो गया। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मनरेगा के लोगों को पैसा मिलना, गरीब मजदूर को पैसा मिलना, सब धाएं उज गया। ये जो चीज़ है सर ये इतना तेजी से हुआ है ना, इतना तेजी से कोई और गवर्नमेंट नहीं किए, इस बात को आप मान लीजिए। हाँ बिल्कुल घर बनवा देना, ये सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ है, तो ये काम सर अच्छा है, अब डिपेंड है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर लोगों का काम ही है क्रिटिसाइज करना, सीधी से बात है, और डेमोक्रेसी का सबसे प्यारा रूप ये है कि जब तक आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे तब तक बेस्ट डिसीजन नहीं आएगा। एक लोग बोला ये करेंगे, 10 लोग बोला नहीं ये अच्छा नहीं है, 20 लोग बोला ये अच्छा है, तो उसी के कारण तो सर नया डिसीजन निकल के आएगा। इसलिए तो बिल पे डिस्कशन करना जरूरी है, पहले भी बोला था ना कि कमिटी इसलिए तो होना चाहिए कि वो डिस्कशन करे कि कौन सा बिल अच्छा है कौन सा बुरा है। नीचे आइए, तीसरा पॉइंट, आवर प्रेजेंस आर ओवर कवर ओवर क्राउड। पहली बात सर एक बात यह है कि सर मतलब हमारा प्रेजेंस ओवर क्राउडेड तो है ही, वो अलग बात है। एक्सपेंसिव टू प्रिजनर एज वेल एज लिटिगेंट, जो वकीलों को फी दे रहा है सर बहुत महंगा भी है, क्योंकि सर जो आ रहे हैं जा रहे हैं, बेल का टाइम देना, उसको पैसे देना, घर से आना, यार बहुतों का जमीन क्या सर, पूरा घर बिक जाता है यार केस, समझे ना, घर बिक जाता है भाई केस को फाइल करते करते, और घर बिक जाता है, घर गिरवी रख के केस लड़ रहा है भाई, बहुत लोग हैं ऐसे अगर वैसा हुआ है तो। और मान लो बाद में उनको मिलेगा भी तब तक क्या पता ही जिंदा रहेंगे कि गए, कोई भरोसा नहीं। जैसे नंबी नारायण का आपको मैंने बताया, तो नंबी नारायण का मूवी आया रॉकेटरी, आप लोग देख लीजिएगा जब आ जाए आपको, तो मैंने क्या वही मैंने बोला कि देख लेना, तो उसमें क्या दिखाया, पहले उनका सर पूरा पूरा खत्म पैसा, बाद में सर जब केस फाइल हुआ, अच्छा हिम्मत से लड़ते रह गए, उतना पॉपुलर हुआ तब एक कमरे तक सिमट के आ गए, जब हिम्मत दिखाया तब जाके उस सर इतना करोड़, फिर इतना मिलियन, फिर पद्म भूषण मिल गया उनको, फिर और सारे अवार्ड मिले, सब रिकॉग्निशन मिला, लेकिन उतना दिन लड़ना भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरा जवानी से लेकर बुढ़ापा तक सर केस लड़ते रह गए, तो ये आसान बात नहीं था। अब जरा नीचे आ जाओ, सॉल्यूशन, अच्छा बताओ पेंडेंसी को कैसे कैसे सॉल्यूशन करोगे। पहला जज का संख्या बढ़ाओ यार, पहला पॉइंट, तो सर ड्यू टू जजेस कोर्ट एंडेड में जो पहला है मैली मंथ कमिटी ऑन रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप जुडिशियरी में देंगे कुछ कुछ कमिटी का नाम याद रख लेना, जैसे इकोनॉमिक्स में कमिटी का नाम याद रखोगे 2-3 कमिटी का नाम, कौन सा, नसीमन कमिटी एक है, उसके पहले एक और कमिटी है, 2-3 याद रखो, देखो नंदन नीलकानी याद रखो, नरसिम्हन कमेटी याद रखो सर, उसी तरह से जब इधर आओ, जब इसमें आओ तो सर इसमें आओगे लेफ्ट साइड में पॉलिटी में, तो यहाँ जेबीपी कमेटी, फैजल अली कमीशन, इन सब के तहत थोड़ा दो। अब सिमिलरली मैली मंथ कमेटी जुडिशियरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। पहला, नो नंबर ऑफ कोर्ट प्लस जजेस शुड मस्ट बी इंक्रीज एंड वर्किंग आवर भी इंक्रीज होना चाहिए, काम करने का घंटा भी इंक्रीज हो, और सर उसके बाद नंबर ऑफ जजेस भी इंक्रीज होने चाहिए, नंबर ऑफ कोर्ट भी इंक्रीज होने, कोर्ट की संख्या भी बढ़नी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक होल्डिंग वैकेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 21 डे, सर छुट्टी 21 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पता चला साल में 365 दिन में सर 300 दिन सोए हुए हैं पड़े, तो 21 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलना चाहिए सर जजेस या जिस किसी को भी। नीचे है थर्ड पॉइंट, एरियर मस्ट बी इरेडिकेटेड, मतलब छोटे छोटे
एरिया जानते हैं आप लोग ना, जानते होंगे, छोटे छोटे की लोक अदालत भेज दे ताकि वहाँ आपस में सुलह समझौता हो जाए। सर ज़्यादा ही ना करें कि सर आप जो छोटा छोटा जो बात है, नॉर्मल झगड़ा फिगड़ा है, उसको सर लोक अदालत में सॉल्व करवाइए, बाहर उसको रखिए, उसको यहाँ लेने की जरूरत नहीं, कोशिश करें। ज़्यादातर आपको रहे कि सर आप इनको लोक अदालत में भेज दीजिए, वहाँ सुलटा लीजिए जब मामला ज़्यादा बड़ा नहीं हो तो। फोर्थ पॉइंट नीचे, टाइम लिमिट, देयर मस्ट बी एनुअल टारगेट कि कितने केसेस पेंडिंग एंड कितने को निपटाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टारगेट लेकर चलिए कि इस साल हम सर 100 केस निपटाएंगे या 200 केस निपटाएंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। आप बिना टारगेट के चलिएगा तो कितना सॉल्व करिएगा कभी। और मैंने बोला लाइफ में जिस इंसान का कोई टारगेट नहीं हो बेकार है। आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा कि सर आज हम लक्ष्मीकांत इतना पढ़ लेंगे, कल हम इतना खत्म कर लेंगे, कल हम स्पेक्ट्रम एक और पढ़ लेंगे, कल हम ये, तो आप टारगेट करोगे तो हो जाएगा, टारगेट नहीं करोगे नहीं होगा, बात खत्म। नीचे आओ, सुप्रीम कोर्ट शुड बी इन एवरी जोन। सुप्रीम कोर्ट लगभग हर जोन में अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सर इजीली हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट नीचे, दे टू प्रमोट, ट्राई टू प्रमोट ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो, जैसे लोक अदालत मान लो है तो क्या बोलेगा कि उसको कोर्ट में ना आना पड़े, बाहर ही मामला निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और नीचे आ जाओ, आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर दिया जाए। मेक मोर ट्राइब्यूनल्स, मेक फास्टर ट्रैक कोर्ट। आप ऐसा कोर्ट बनाइए जहां जल्दी से जल्दी काम हो सके, सारा का काम निपटा दिया जा सके। नीचे आ जाओ, मेजर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करिए इन जुडिशियरी, स्पेशली इन सुप्रीम कोर्ट टू ट्रैक द सिस्टम। ई फीलिंग, जैसे आप सर अगर लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाके केस फाइल ना करना पड़े, पहले ही जाकर मोबाइल पे फाइल कर दे तो बहुत बहुत वो भी अच्छा है। अच्छा, आपको अगर अपने कोर्ट का जानकारी, केस का जानकारी मोबाइल पे मिलता रहे तो कम से कम माने जाने का खर्चा तो बचेगा। अभी होता है, जरा नीचे आइए। फर्स्ट पॉइंट, जस्टिस एक ऐप है, जाके डाउनलोड करना है सभी लोग। जस्ट इस, वो वहाँ पर जस्ट लिख इस है, जिस पे आप अपने कोर्ट का डेट, डिसीजन, आप जो केस फाइल किए हैं उस केस का क्या प्रोसेस अब तक कहाँ पहुँचा है, सारे का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आपको सर किसी का ये हमें नहीं पता होता है तो हम लोग वकील के तलवे चाटते रहते हैं, बात खत्म। तो जस्टिस ऐप पे जाइए, अपना केस नंबर आप उसमें फाइल डायल करिए, आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा, नेक्स्ट प्रोसीडिंग कब होगा, नेक्स्ट डेट कब है, बेल कब होगा, क्या होगा, सब आपको डिटेल मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर देख लो, जाकर डाउनलोड कर लीजिए जस्टिस ऐप, जिनको सर अगर केस उस घर में हुआ है, लठार उठे किए हैं। नीचे, फास्ट ट्रैक कोर्ट इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड एंड इज प्रोसेस। फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी है सर, जहाँ पे मामला सर बहुत तुरंत निपटारा किया जाएगा। उस कोर्ट में गए वहाँ पे पेंडिंग नहीं हो, आइए कल परसों, नहीं सर, देन एंड देयर सॉल्व करिए, बात खत्म करिए। अभी जो हुआ है उसको एकदम क्विक रिस्पॉन्स किया जाएगा, अच्छा बात भी है। थर्ड पॉइंट, जेल अदालत इज स्टार्टेड फॉर अंडर ट्रायल पीपल इन जेल इटसेल्फ। सर जेल में जो हैं उनके लिए जेल में ही अदालत शुरू किया गया कि उन पे फैसला जेल में ही कर दिया जाए। आए वहीं पे बैठे, वहाँ पे डिसाइड किया, बता रहे तेरे क्या किया था, बोला हम चार को मारे थे, इधर आ, चल तू जा 4 साल के लिए जेल, फिर तू कितने को मारा था, 5, तू 5 साल के लिए जेल जा। तो सर ये जो प्रोसेस है, सुन पा रहे, मतलब देन एंड देयर वहीं फैसला हो जाएगा। तो सर अच्छा बात है, अच्छा उसमें तो जो निर्दोष है, सनी देओल टाइप, ठीक है तू निर्दोष है, चल तू जा, अब तो निकल जा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा सोच के देखो, प्रॉब्लम क्या होता है, आप जेल से उसको हाथ में बांध के और लेके जाते हो कहाँ, कोर्ट में। अब सर जैसे ही वो बाहर आता है तो सर सांस कितने दिन बाद ले रहा है वो, मतलब खुली हवा में, अब पहले उसको लत लग जाता है, सुनना, उसको लत लग जाएगा। अब सर सोचेगा कि यार बाहरी दुनिया तो बड़ा अच्छा है, आज़ादी किसको प्यारी नहीं है सर, भागना तो कोशिश करेगा, कुछ साठ गांठ भी रखेगा, कुछ उसके दोस्त लोग आकर उधर रोना शुरू कर दिया, अब सर इतना रोना शुरू कर दिया, वही मोस्टर इतना सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए क्या है, कोर्ट में नहीं सर, जेल में ही फैसला करो, अगर निर्दोष है तो निकाल के बाहर भेजो, अगर है तो रखो, बात खत्म। ये अच्छा आइडिया नहीं है क्या, इंटरेस्टिंग है ये सर। तो ये पॉइंट सब सजेशन आप दोगे, नीचे आओ। उसके बाद प्लिया बार्गेनिंग, प्लिया बार्गेनिंग मतलब होता है जैसे मान लो आपने खुद से गलती एक्सेप्ट कर लिया कि देखिए जी हमसे गलती हो गया, तो सजा आपका कम थोड़ा कर दिया जाता है। जब भी कभी आप आत्मसमर्पण करते हैं आपको जनरली सजा कम कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर आप अपने बीवी का गर्दन काट के लेके चले गए और बोले कि हम काट के लाए हैं, सजा कम कर दीजिए ये मतलब क्या, तो उसमें सर आपको तो दिमाग में हो जाएगा। नीचे आइए, अब सर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन टाइमलाइन टू हाई कोर्ट टू फिनिश केस इन पर्टिकुलर टाइम इन हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर हाई कोर्ट को कि सर आप जो है केस को सही टाइम पे खत्म करिए। नीचे आइए, सुप्रीम कोर्ट आल्सो गिवन गाइडलाइंस नॉट प्ले टैक्टिक्स ऑफ डेट, तारीख पे तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि सर बार बार ये तारीख पे तारीख वाला काम नहीं करिए, समझ रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला, मिला क्या है, तारीख मिला है, सुन पा रहे हैं, ये काम नहीं करिए, पता है ना सर क्या क्या सोल्यूशन है, सुन लो देखो तुम लोग बात
जो बात बनाने में क्या है ना, इंडिया का लोग सा रिकॉर्ड आया था, बात बनाने में अपन नंबर वन है। स्पीडी ट्रायल होता है सर, देखो अच्छा आप तो कोर्ट में रहते हो ना, कोर्ट में अच्छा रजिस्ट्री ऑफिस में रहते हो, ठीक हाँ ठीक है ठीक है, जिसको जाना जा सकता है, जिसको जाना जा सकता है। स्पीडी ये देखो पहले रुक जाओ भाई बस, अच्छा ठीक है हाँ चले जाओ भाई, जिसका जॉब है जॉब लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीडी ट्रायल का सिंपल एक मीनिंग होता है, कोई भी ऐसे ट्रायल जिसमें सर अब क्या होता है स्पीडी बहुत ट्रायल में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस हो, देखो इधर देख, अरे क्या हो गया सर, ऐसा कर आंखियों से गोली मारे वाला समझ रहे तो इसमें क्या होता है देखो, अगर अरे पहले अच्छा पहले रुक जाओ, मुझे थोड़ा ये वाला कंप्लीट कर लेना फिर मैं बता देता हूँ, दो मिनट रुक जाओ अभी बस इतना समझना, देख लो थोड़ा और है पहले समझ लो, क्योंकि कल पंचायत शुरू करेंगे। नीचे आओ AIJS ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पेज नंबर 237 दिख रहा है, अरे देख लो बस उतना ही देख लो, बाकी कल कंप्लीट कर लेंगे ठीक है, उसके बाद 7-8 पेज बचेगा 10 पेज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ठीक है आ गया, इसमें पॉइंट पढ़ दिया ना हाँ, तो तारीख पे तारीख सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला मत दीजिए, इंसाफ दीजिए सर, ज्यादा फायदे में रहिएगा। AIJS में आइए लाइक IAS IPS ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी होना चाहिए, तो होता है AIJS ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के एग्जाम होता है, आप तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। पहला बात रिकमेंडेड बाई 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, याद है 14th LCR बोला था 1480 और उसके बाद 121। नीचे आइए PCS जुडिशियल का एग्जाम होता है, जिस तरह से BPSC का एग्जाम होता है उसी तरीके से जुडिशियल का भी PCS का एग्जाम होता है ठीक है, बिहार पब्लिक अब जुडिशियल सर्विस कमीशन है का एग्जाम होता है, जिसको क्लियर करने के बाद लोअर कोर्ट में शुरुआत होती है एंड रिटायर तक तो डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, दैट इज लकली कोई हाई कोर्ट जज बनता है। आप सर लोअर कोर्ट में आप पेपर आप निकाल गए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आप जज बनते हैं, बहुत कोई कमी है जो सर उसके बाद, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसके बाद जाकर हाई कोर्ट के जज बनते हैं, बाकी तो जनरली नहीं बन पाते। फैक्ट इज दैट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज ने तो काफी लोकल लेवल पे काम नहीं किया लाइक SDM, इसलिए ट्रेनिंग में वीडियो भी बनाया जाता है ताकि आप लोकल लेवल तक चीजों को समझ जाए। सिंपल सा बात है कि सर लोकल लेवल पे अगर आप काम जितना ग्राउंड लेवल, वही मैंने बोला कि मालिक बनने के लिए नौकर बनना पड़ता है, तो अगर आप शुरुआत से शुरू किए हैं तो आपको सर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, आपका डिसीजन भी बड़ा परिपक्व होगा। जरा थर्ड पॉइंट ऑल्सो रिकमेंडेड सेंट्रलाइज कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज की मीटिंग होती है एंड ऑल एंड दिस रिकमेंडेशन इज एक्सेप्टेड बाय जुडिशियल। AIJS बनाने के लिए राज्यसभा का रिजोल्यूशन चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को बनाने के लिए सर राज्यसभा का रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि स्टेट में ही काम करेगा ना सर। नीचे आइए हाई कोर्ट अपोज्ड इन 2012 ऑफ मेकिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सर बोला गया था कि हाई कोर्ट ने अपोज किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है बनाने का क्यों, अभी एक और रीजन सुन लो पहले, लाइक स्टेट डोंट वांट टू गिव पावर टू पंचायत बिकॉज सेंटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू पंचायत बाई पासिंग द स्टेट। बोला गया कि जिस तरीके से हाईकोर्ट क्या है हमेशा राज्य के मतलब राजधानी में है ना, तो हाईकोर्ट का सेम ऐसा ही पावर या हाईकोर्ट का दूसरा थोड़ा पावर दे के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने सर इसको मना कर दिया। सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला था, पावर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पावर थोड़ी ना सर क्रिएट कर सकते हैं, बस आप पावर ट्रांसफर करोगे। जैसे सर पंचायत सिस्टम को लाने के लिए ऊपर सेंटर ने भी कुछ पावर दिया, कुछ पावर स्टेट ने भी दिया, तब जाके तीसरा बॉडी कौन बना, पंचायत। तो सिमिलरली हाईकोर्ट बना रहे हो तो पावर तो हाईकोर्ट को शेयर करना पड़ेगा ना सर, तो हाईकोर्ट ने सर नामंजूर कर दिया, लेकिन ये होता तो ठीक ही रहता। नीचे आइए, इनफैक्ट नीति आयोग क्लियरली सेड कि AIJS होना चाहिए इन देयर डॉक्यूमेंट इंडिया एट द रेट 75। ये नीति आयोग का अपना डॉक्यूमेंट आता है इंडिया एट द रेट 75, उसमें बोला था कि AIJS होना चाहिए। फर्स्ट लोअर जजेज क्वालिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, एग्जाम डिलेड इसलिए वैकेंट सीट रह जाते हैं, करप्शन इज हाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल, सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करप्शन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जाएंगे करप्शन नेक्स्ट लेवल का है सर, वहाँ पे ऐसे ऐसे वकील देखे ना सर क्या बताएं। अब पहला है उसमें पॉइंट फॉर और अगेंस्ट का, तो इसको रहने दीजिए, कल एक ही बार हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें ट्राइब्यूनल ISD और एडवांटेज पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब कंप्लीट करेंगे ठीक है, तो कल ही कंप्लीट कर लेंगे, आज रहने देते हैं, और कल कंप्लीट होने के बाद एक दिन का आपको ब्रेक मिल जाएगा, सारा नोट्स लिख लीजिएगा ठीक है। अभी जो पढ़ाया है एक बार रिपीट कर देता हूँ, खत्म करेंगे। फर्स्ट मैंने बोला है दो तीन चीज़ सुन लो, जुडिशियल सिस्टम का कैसे अपॉइंटमेंट रिमूवल जज का कैसे बनना, सारा कुछ सुनते जाओ आगे बढ़ेंगे। सर मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज हैं उन लोगों का क्या पावर है जज को बनाने के लिए, इधर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कितना 10 साल आपको क्या करना पड़ेगा, एडवोकेट रहना पड़ेगा या 5 साल आप हाई कोर्ट के जज रहे हैं, तो सर इनका प्रोसेस अलग अलग जो भी है और दिमाग में इस बात को रखिएगा। तो सर अगर आप क्या बोले कि 5 साल
पांच साल के लिए क्या है, आप जज हैं कहाँ के, हाई कोर्ट के, तो आपको क्या बना दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर 10 साल के आप क्या रहेंगे, एडवोकेट। अब उसके बाद सर आगे बढ़ेंगे तो दो तीन चीज का ध्यान रखेंगे कि रिमूवल का क्या प्रोसेस और सारे चीजों का क्या प्रोसेस है, इन सब चीजों का ख्याल रख के लास्ट में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कितना केस पेंडिंग है, 88% 90% सर, सॉल्यूशन क्या है, एक ऐप बताया जस्टिस ऐप जिसको आप डाउनलोड करके अपने केस जान सकते हैं, ये सारा डिटेल जब आप जान लोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा और फिर हम लोग कल इसको और आगे बढ़ा के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल और कंटिन्यू करेंगे। हाँ बता देता हूँ, आप रुक जाइए।